हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज ऑफिशियल। एंड यस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट यूनिट नंबर 6 ऑफ डीएम। ठीक है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हमारा जो लास्ट यूनिट है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एंड कोडिंग थ्योरी। बहुत ज्यादा सिंपल यूनिट है एंड आपको पीडीएफ से ही समझ में आ जाएगा, सो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दैट मतलब डीप मैनर कि आपको बिल्कुल मतलब एकदम इसको हार्ड कोर करके बताऊं। बहुत ज्यादा सिंपल यूनिट है एंड आपको कुछ डेफिनेशंस अंडरस्टैंड करने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं एंड आप जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज जो स्टार्टिंग का लेक्चर है ना अबाउट, आप हाफ एन आवर उसको समझ लो, थोड़ा सा जरा पेशेंस से थोड़ा सा ध्यान दे के आप समझोगे तो पूरा यूनिट आपका अच्छा जाएगा। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन आने दो, बिलीव मी यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी वन। ओके, तो अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट्स के आपको अगर चाहिए लेक्चर, so you can definitely go on to our channel and you can follow CGOP FDS DLD, you can also follow many of the DM sessions जो कि हमारे graphs और trees के ऊपर मेरे one shots available हैं। ठीक है, तो सारे subjects obviously सारे subjects of your second year computer students सब कुछ available है, so you can go there and see। तो चलिए start करते हैं unit 6 of algebraic structure and coding theory। तो basically first आपका आता है topic या फिर part आप कह लो unit का, that is our algebraic system। ठीक है, तो algebraic system में क्या है ना, इट कंसिस्ट ऑफ ए एंड एफ। ठीक है, हमारे पास ए और एफ होता है। अब ए क्या है, तो एक सेट है। ठीक है, एंड एफ क्या है, आपका ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, तो आपका सेट कोई भी हो सकता है और एफ क्या है, आपका जो उस सेट के ऊपर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, मे बी यूनरी ऑपरेशन मे बी बाइनरी ऑपरेशन, वो हम उस सेट के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, सो दैट ऑपरेशन वी हैव टू गिव इन दैट। ओके, सो जस्ट आपने यहाँ पर सेट लिखना है एंड यहाँ पर आपने उसका ऑपरेशन सेट दिखाना है। जस्ट ये ए और एफ को मिलाकर जो आपका बनता है सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज योर अलजेब्रिक सिस्टम। सपोज एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है 0, 2, 4 डॉट डॉट डॉट, देन जो बाइनरी ऑपरेशन अगर है उसके ऊपर वो एडिशन का है, तो आपको उसको कैसे दिखाना होगा। ठीक है, लेट से आपके पास क्या है ई सेट है, तो आपने यहाँ पे क्या दिखाया, ये ई दिखाया एंड आप उसके ऊपर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, लेट से आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, तो जस्ट यू विल शो योर एडिशन प्लस। ओके, सो ऐसे आप डिनोट कर रहे हो तो अलजेब्रिक सिस्टम को। सिमिलर पैटर्न में अगर आपका सेट ऑफ क्या है नेचुरल नंबर्स है एंड आपको दो ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म करना है, तो लेट से एन आपका सेट है, तो आप उसके ऊपर एडिशन भी कर रहे हो और आपके उसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन भी कर रहे हो, तो दो ऑपरेशंस को आप ऐसे डिनोट करोगे। क्लियर, तो अलजेब्रिक सिस्टम क्या होता है ये तो आईडिया आपको परफेक्टली आ चुका होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज। अब देखो ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं जब तक आपको नहीं बोलती हूँ कि आप मतलब अभी तक फोकस जो है ना आपने ज्यादा ही रखना है, प्लीज टिल दैट टाइम आपको फोकस ज्यादा ही रखना है, क्योंकि ये जो है ना आपको इजी लगेंगे बेसिक लगेंगे लेकिन यही है जो आपको पूरे यूनिट में करना है। तो एक बार आप अच्छे से समझ लो, विल गेट एवरीथिंग वेरी सिंपली। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस में फर्स्ट आपकी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है ये तो हमें सबको पता ही है, तो जस्ट वो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है बाइनरी ऑपरेशंस में। तो अगर लेट से आप देखो इसके ऊपर आपको याद रखो इस पर्टिकुलर यूनिट में मतलब आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कहीं आपको इसको भी डिनोट कर रहे होंगे, मतलब आपको कहीं भी आपको ये एक्सप्लेन करना होगा, आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा, आपको उसमें से प्रॉपर्टी ढूंढनी होगी या फिर आपको उनको प्रूव करना होगा। सेकेंडली जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको डिफाइन करने आ सकते हैं, तो डिफाइन करने के लिए इतना लिखना आपके लिए कंपलसरी है। यू हैव टू गिव द डेफिनेशन, यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल एज वेल। ठीक है, तो कुछ भी हो आपके डेफिनेशन आपको सारे याद होने चाहिए एंड डेफिनेटली अगर डेफिनेशन याद होंगे आपके तो आपके जो आगे के सम्स है वो बहुत ईजिली सॉल्व हो रहे होंगे। तो चलिए देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो हम जो है ना बेसिक एक स्टार को ना अपना ऑपरेशन समझ रहे होंगे, मतलब नॉर्मली डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट। सो इफ हमारा जो ये एस्टरिस्क है जो कि मल्टीप्लीकेशन का समझ लो, ठीक है, सो इफ दिस स्टार इज एन एनी ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन है ये हमारे सेट पे, वो कम्यूटेटिव ऑन सेट एक्स। वो कब कम्यूटेटिव होगा हमारे सेट के ऊपर, अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा। अब ये ए और बी क्या है, ये कोई भी एलिमेंट्स है आपके सेट के, ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट्स
उठा लो आप, अगर उनके बीच में ये प्रॉपर्टी अगर प्रूव हो रही है, यानी कि अगर हम a इंटू बी करें तो इट्स इक्वल टू b इंटू a, यानी कि अगर 1 इंटू 2 करो तो इट मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 1, राइट? सो ये अगर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो ये क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमेशा याद रखो प्लस और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होते हैं। वाई? अगर 1 प्लस 2 करें तो वो इक्वल टू 2 प्लस 1 ही होता है, 1 इंटू 2 करें तो वो इक्वल टू 2 इंटू 1 ही होता है। तो ये कम्यूटेटिव हमेशा होते हैं ये वाले ऑपरेशंस। लेकिन अगर माइनस और डिवीजन की बात करें तो ये कम्यूटेटिव कभी भी नहीं होते, क्योंकि 1 माइनस 2 ये कभी भी 2 माइनस 1 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 बाय 2 ये कभी भी 2 बाय 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये भी आपको जो है दिखाना है। सो दिस वॉज आर फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमें पता है एसोसिएटिव के लिए ना हमेशा ये जो है ना ये याद रखना, a into bracket b into c bracket close equal to bracket a into b bracket close into c, ठीक है? तो ये हमें पता है एग्जैक्टली, यस एसोसिएटिव ऑपरेशन यही होता है, लेकिन हमेशा याद रखो प्लीज, ठीक है? तो ये इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? बाइनरी ऑपरेशन से आपके पास मल्टीप्लीकेशन है, इज सेट टू बी एसोसिएटिव ऑन सेट एक्स अगर हमारा ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये फॉलो हो रही है। जस्ट ब्रैकेट जो है वो हमारा पोजीशन चेंज किया है एंड एसोसिएटिविटी हुई है। तो एसोसिएटिविटी भी हमारे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के अंदर ही देखी जाती है। जो सब्ट्रैक्शन है, जो डिविजन है, वो हमारी एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई नहीं करता है। देन वी हैव आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी के अंदर देखो, अ बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा स्टार है ऑन सेट एक्स इज एन आइडेंटिपोटेंट ऑपरेशन अगर a इंटू a जो है वो मेरा a ही आया फॉर ऑल वैल्यूज। ओके, ये जो प्रॉपर्टी है ना ये सारे एलिमेंट्स के साथ फॉलो होने चाहिए, ठीक है? जो भी मेरा सेट है उसमें सारे एलिमेंट्स के साथ ये जो प्रॉपर्टी है ना ये फॉलो होगी, तभी जाके ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, क्लियर है ना? तो अगर a इंटू a जो है वो a हो रहा होगा तभी हम बोलेंगे कि ये क्या है, आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर दो चीजें देखी जाती हैं, ये जो एंड और होता है ना इसको क्या बोलते हैं, मीट और जॉइन बोलते हैं, ठीक है? तो लेट एक्स बी लैटिस ऑफ ऑपरेशन एंड इसके पास क्या है, एंड है और क्या है, जॉइन, यानी कि और वाला सिंबल है। तो अगर ये मीट एंड जॉइन आर बाइनरी ऑपरेशंस तो माइनस ऑफ ए जॉइन ए जो है हमारा ए ही आना चाहिए, ठीक है? और ए एंड इसको या फिर आप मीट बोल सकते हो, ए जो है वो ए ही आना चाहिए। तो ये अगर दोनों सेटिस्फाई होते हैं एंड आपको जो वैल्यू है वो ए ही मिल रही होती है तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, हमारी आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको ये मीट जॉइन कंफ्यूजिंग लग रहा है, गो विथ और एंड एंड, ठीक है? तो आपको पता है माइनस ए और ए आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए एंड ए आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। सो दैट इज सेटिस्फाइंग योर आइडेंटिपोटेंट प्रॉपर्टी। अब क्लोज्ड ऑपरेशन, क्लोज्ड ऑपरेशन क्या होता है, आपके पास कोई सेट है, लेट्स से एक्स सेट है जिसमें 1 2 3 4 till 10 आपके पास एलिमेंट्स है, बी है आपके पास, बी क्या है आपके पास सेट है जो कि 2 4 8 है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 4 है, राइट? उसके अंदर हम मतलब कुछ ना कुछ एडिशन से हमें जो है ना वो मिल रहा है, ठीक है? मतलब क्या, मतलब आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका लाइक से 1 + 2 हम कर रहे हैं तो 3 जो है, 1 + 2 का आंसर क्या होता है, 3 होता है, तो 3 क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, 5 यहाँ पे प्रेजेंट है। सो लाइकवाइज हमारे पास कुछ प्रेजेंट है, हम एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास ए भी प्रेजेंट है, 1 + 2 हमारे पास क्या है, 3 प्रेजेंट है। अगर हम मल्टीप्लाई के सेंस में भी देखें तो 4 × 2 = 8 होता है जो कि हमारा 8 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आना चाहिए। सो बेसिकली अगर हमें कुछ ऑपरेशन यहाँ पे दिया है लाइक a इंटू बी इज इक्वल टू 2a + 2b, ठीक है? अगर कुछ ऑपरेशन ऐसा दिया है तो हमारे पास अगर वो हमारे सेट में प्रेजेंट है इसका मतलब हमारा सेट क्या है, क्लोज्ड ऑपरेशन हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है? सो ये जो है ना आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए जस्ट आप आइडिया ले लो, ठीक है? जैसे अभी हमने कम्यूटेटिव पढ़ लिया, एसोसिएटिव पढ़ लिया, आइडेंटिपोटेंट पढ़ लिया, क्लोज्ड ऑपरेशन पढ़ लिया, तो जो बेसिक आइडिया है वो हमें आ गया, राइट? तो सिंपल वो ही हमें अंडरस्टैंड करना है। एंड चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अब सेमी ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है? तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो हमने सब पढ़ ली। कौन सी प्रॉपर्टीज थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिपोटेंट और क्लोज्ड, ठीक है? अब इनके बाद जो प्रॉपर्टीज हमें छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लगेंगी वो हम इसके बाद देख रहे होंगे। देखो आपको बहुत ज्यादा सिक्वेंस के अंदर मैं पढ़ा रही हूँ। आपने अभी क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिपोटेंट और क्या एक अपने बड़ी
क्लोज्ड और एसोसिएटिव, राइट? तो उनसे आप रिलेटेड कर पाओगे नेक्स्ट जो आपकी मतलब मेन प्रॉपर्टी होगी, जो कि अलजेब्रिक सिस्टम बेसिकली हम पढ़ रहे होंगे। तो देखो बेसिकली आपका जो मेन है अभी क्या है, सेमी ग्रुप्स। तो सेमी ग्रुप्स किसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो सेमी ग्रुप्स देखो किसको बोलेंगे, लेट आपके पास ए कॉमा स्टार बी एन अलजेब्रिक सिस्टम, ये कोई आपका अलजेब्रिक सिस्टम है जहां पर ये जो स्टार है ये कोई आपका बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ए, ठीक है? तो ये ए कॉमा स्टार ये सेमी ग्रुप कब होगा, सेमी ग्रुप तब होगा जब इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होंगी। इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर मेरा जो ये स्टार है या फिर ये एस्टरिस्क का बोल लो, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बोल लो, ये जो स्टार है इट इज अ क्लोज्ड ऑपरेशन, ठीक है? यानी कि वो ये वाली क्लोज्ड ऑपरेशन वाली जो कंडीशन है, जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो कर रहा होगा, तब ये सेमी ग्रुप होगा। एंड यानी कि ये भी ये तो करना ही चाहिए, साथ में एसोसिएटिव ऑपरेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है? तो अब आपको समझ गया मैं वो प्रॉपर्टीज आपको क्यों पढ़ा रही थी, क्यों अगर वो आपने पहले पढ़ ली तो आपको यहाँ पर जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब आपकी क्लोज्ड ऑपरेशन और एसोसिएटिव ऑपरेशन दोनों भी आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई होंगी, तभी जाके इसको क्या बोला जाएगा, सेमी ग्रुप बोला जाएगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से आपके पास ए है कोई सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है? तो वो क्या है, एक खुला सेट है जो कि जिसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव इवन नंबर्स क्या है, प्रेजेंट है। इस और यहाँ पर प्लस क्या है, आपका कोई ऑपरेशन है, तो आपका ए कॉमा प्लस क्या होगा, एक आपका सेमी ग्रुप होगा, तब होगा जब ये सेटिस्फाई करेगा हमारी क्लोज्ड ऑपरेशन को और एसोसिएटिव ऑपरेशन को। बस आपने इतना नहीं लिखना है, इसको आपको प्रूफ भी करके दिखाना है। जस्ट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिफाइन कर रही हूँ एंड एग्जांपल लिख रही हूँ, इसीलिए मैंने बस इतना ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सो से नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है? नेक्स्ट ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। हमने कौन सी पढ़ ली, कम्यूटेटिव पढ़ लिया, असोसिएटिव, आइडमपोटेंट, क्लोज्ड। नाउ दिस इज योर आइडेंटिटी। ये जो है ना ये कॉन्सेप्ट है सेमी ग्रुप, यानी कि एक अलजेब्रिक सिस्टम सेमी ग्रुप कब होगा, ठीक है? तो जब ये प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी तब। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ये आप पढ़ोगे तो इसके ऊपर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना वो डिपेंडेंट है, इसलिए मैं आपको अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ा रही हूँ। तो देखो दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी, ठीक है? तो बेसिकली एन एलिमेंट ई इन ए कॉमा स्टार इज कॉल्ड एज लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इफ फॉर ईच एलिमेंट, जो हमारा एक्स होगा वो ए को बिलोंग कर रहा होगा। बेसिकली अगर यहाँ पर ई जो है वो आपका लेफ्ट में प्रेजेंट है, इनटू एक्स आपको क्या मिल रहा है, एक्स ही मिल रहा है। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट इन ए, तो अगर ये लेफ्ट में प्रेजेंट है तो ये क्या है, आपकी लेफ्ट आइडेंटिटी है। सिमिलर पैटर्न में एन एलिमेंट ई इन ए कॉमा स्टार इज कॉल्ड एज राइट आइडेंटिटी, अगर वो ई आपका राइट में प्रेजेंट है तो तब आपका जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होके आपको वही मिल रहा है। अब ये जो है ना ये मल्टीप्लाई ही डिनोट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल मत समझो, ये कोई ऑपरेशन डिनोट कर रहा है, ठीक है? वो ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, डिविजन भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग। यहाँ पर जस्ट इसको हम एज अ बाय डिफॉल्ट एज अ सिंपल ऑपरेशन समझ रहे हैं कि हाँ कोई ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो ई है ये आपका या तो जीरो होगा या तो वन होगा, क्लियर है ना? तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोनॉइड, ठीक है? तो अच्छा हुआ आपको मतलब सिंपल मैंने आइडेंटिटी बता दिया, क्यों? क्योंकि अब देखो मोनॉइड के अंदर क्या होता है ना, मोनॉइड क्या है, आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी हमने सेमी ग्रुप पढ़ा, तो बेसिकली ए कॉमा स्टार जो है ये आपका अलजेब्रिक सिस्टम होगा, जब आपका स्टार ना कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। देखो सबसे पहले तो वो सेमी ग्रुप होना चाहिए गाइस, सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो मुझे बताओ याद करते हुए चलो, ठीक है? सेमी ग्रुप कब होगा, जब आपका क्लोज्ड और एसोसिएटिव ऑपरेशन फॉलो होगा। मैं तो अपने साइड से जितनी बार मुझसे रिपीट हो रहा होगा मैं उतनी बार रिपीट करूंगी, स्टिल आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको अभी लर्न हो जाएगा। सेमी ग्रुप क्या होता है, जब क्लोज्ड और एसोसिएटिव ऑपरेशन का प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो रही होती है। मोनोइड कब होगा, जब वो सेमी ग्रुप होगा, इसका मतलब क्लोज्ड एसोसिएटिव होनी चाहिए प्रॉपर्टी। और थर्ड क्या है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी आपकी क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे ई क्या है, आपका कोई सेट है, लेट्स से 0 2 4 6 8, यानी कि चलो ये भी आपका पास सेट हो गया। और ये ई के ई का जो ऑपरेशन है वो क्या है, यहाँ पे प्लस है, इट इज अ मोनोइड विथ नंबर 0 एज आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब हमेशा याद रखो, अगर आपका आपके पास प्लस ऑपरेशन हो रहा है तो आपको ई को क्या लेना है, 0 लेना है। और आपका जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तब आपको क्या लेना है, हमेशा 1 लेना है, ठीक है? अब ये क्यों हो रहा है, देखो आप सिंपल आइडिया लगा सकते हो, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, लेट से आपके पास 3 है, ठीक है?
3 मल्टीप्लाई आप 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, राइट right? इसका मतलब वही एलिमेंट मिलेगा। एंड अगर आप 0 से देखो, आप प्लस के अंदर देख रहे हो राइट right? तो अगर आप 3 प्लस 0 करोगे तभी आपको 3 मिलेगा, अगर आप 3 प्लस 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस 1 करोगे तो आपको 3 नहीं मिल सकता, है ना। हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि हमें एक्स इंटू ई जो है वो एक्स ही मिलना चाहिए, तो अगर हम 3 इंटू 0 करेंगे तो मुझे 0 मिलेगा, मुझे एक्स नहीं मिलेगा। तो उसके उसके लिए हमें क्या करना है, 3 प्लस 1 अगर हम कर रहे हैं तो मुझे मैं प्लस 1 नहीं कर सकती, मैं 3 इंटू 1 करूंगी तभी मुझे 3 मिलेगा, ठीक है। ये आपको आगे बहुत ज्यादा इजी लगेगा, जस्ट अभी के लिए आप समझ लो, ठीक है। तो ये मोनोइड कब होगा, जब आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड, हाँ कभी कभी हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही होती है तो अल्जेब्रिक सिस्टम में ही हम ई को जो है ऐड कर देते हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा मोनोइड क्या होता है। सो मोनोइड क्या होता है, इसमें सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं और एडिशनली आपका आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो, वो है आपकी इनवर्स एलिमेंट की। अब ये इनवर्स एलिमेंट जो है, ये नेक्स्ट आपके जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको आइडेंटिटी क्यों पढ़ाया ताकि आपको मोनोइड समझ में आ जाए, अब हम इनवर्स पढ़ेंगे ताकि हमारा जो नेक्स्ट है ना ग्रुप वो हमें समझ में आ जाए, क्लियर। इनवर्स देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेट ए इंटू स्टार, ये देखो आपको हमेशा डेफिनेशन का स्टार्ट ऐसे ही करना है कि लेट आपके पास ए कॉमा स्टार है जो कि एक अलजेब्रिक सिस्टम है, एंड यस उसके पास आइडेंटिटी ई होनी चाहिए। सो लेट ए बी एलिमेंट इन ए एंड एलिमेंट बी सेड टू बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ इफ, अगर बी इंटू ए जो है वो ई होगा, ठीक है। लेफ्ट इनवर्स हम उसको कब बोलेंगे, बी इंटू ए जो है वो ई होगा तभी हम उसको बोलेंगे क्या, लेफ्ट इनवर्स, यानी कि बी जो है वो लेफ्ट में प्रेजेंट है और ई क्या है आपका आइडेंटिटी है, क्लियर ना। या तो जीरो होगा या तो वन होगा। राइट इनवर्स की अगर हम बात करें तो बी जो है वो हमारा राइट में होगा, देन अगर आपको ए इंटू बी जो है वो ई मिल रहा है देन वी विल से दैट, ओके। नाउ एग्जांपल अगर हम देख ले, आपका ए है 1 और बी है माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम बी को हम कैसे देखें, बी इंटू कोई ऑपरेशन है आपका, बी इंटू ए इक्वल टू ई करके देखें, ठीक है। तो जो माइनस 1 प्लस अगर हम करके देखेंगे, ये जो ऑपरेशन है हमारा, ये जो ऑपरेशन है अगर मैं इसको प्लस करूंगी तभी मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, ठीक है। सो इस केस में मुझे 0 मिल रहा है, इसका मतलब ई क्या होगा, इसका यहाँ पे 0 होगा। सिमिलर पैटर्न में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही होती तो माइनस 1 इंटू 1 मुझे क्या मिलता, माइनस 1 मिलता, जो कि 1 या 0 ही मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो माइनस 1 तो कहीं पर है ही नहीं, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो फॉल्स हो जाती, सेटिस्फाई नहीं होती। सो इसलिए इसको कंसिडर करते हैं एंड इसके लिए ये एग्जाम्पल ऑफ सेट है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो ये हमारा इनवर्स जो है वो फॉलो कर रहा होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, जस्ट आप लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स इतना याद रख सकते हो। अब ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कब होता है, देखो अब ये ग्रुप आपका न्यू कॉन्सेप्ट है। हमने कौन से पढ़ लिया, हमने सेमी ग्रुप पढ़ लिया जिसमें क्लोज्ड और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, हमने उसके बाद मोनोइड पढ़ लिया जिसमें सेमी ग्रुप और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो रही होती है। अब हम क्या देखते हैं, ग्रुप को देखते हैं, ग्रुप हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो ग्रुप हमारा देखो जी कॉमा स्टार से क्या करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं, याद रखो। और स्टार क्या है, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी है। नाउ ये जो जी कॉमा स्टार है ये ग्रुप तभी कहलाएगा जब ये चार प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो हो रही हैं। बेसिकली हम इतना समझ सकते हैं क्या कि ये मोनोइड प्लस इनवर्स होता है। हमने क्या पढ़ा अभी, मोनोइड पढ़ा, मोनोइड प्लस इनवर्स। मुझे बताओ मोनोइड में क्या होता है, सेमी ग्रुप और आइडेंटिटी, और सेमी ग्रुप में क्या होता है, क्लोज्ड और एसोसिएटिव। तो देख लो यहाँ पे मोनोइड और इनवर्स का ही आपको जो कॉम्पोजिशन है वो बोथ अगर आपके होंगे, मोनोइड एंड इनवर्स दोनों भी, तभी वो ग्रुप कहलाता है। तो अगर यहाँ पे देखो कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो होनी चाहिए, तो क्लोज्ड ऑपरेशन फॉलो होगा, एसोसिएटिव फॉलो होगा। ये दोनों क्लोज्ड और एसोसिएटिव मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा सेमी ग्रुप बना रहे हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, इसका मतलब क्लोज्ड एसोसिएटिव आइडेंटिटी क्या बना रहे हैं, हमारा मोनोइड बना रहे हैं, प्लस हमारा जो इनवर्स एलिमेंट है वो फॉलो होगा। तो अब जब ये इनवर्स एलिमेंट है, ये न्यू प्रॉपर्टी ऐड हो गई, तो जब ये चारों भी प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो हो रही होंगी देन वी विल से ये क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तभी बोलेंगे कि ये जो अलजेब्रिक सिस्टम है ये क्या है, ग्रुप है, क्लियर। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज योर अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप का क्या है, देखो ये भी एक जी कॉमा स्टार ही होता है। ये अबेलियन ग्रुप कब कहा जाएगा, जब सिंपल एक एडिशनल प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे क्या, कम्यूटेटिव,
ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने एकदम स्टार्ट में आपको बताई एंड वो एकदम लास्ट में यूजफुल है. तो सिंपल है ना, अबेलियन ग्रुप के लिए हम सिंपल ये जो प्रॉपर्टीज है ये सारी तो होंगी होंगी, जस्ट हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पर जो है ना एड हो रही होगी, तभी इसको हम अबेलियन ग्रुप बोलेंगे. सिंपल माइंड मैप मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ. देखो अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, देखो अबेलियन ग्रुप जो है वो हमारा ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी तभी वो अबेलियन ग्रुप होता है. आपका ग्रुप कब होता है, जब मोनोइड प्लस इनवर्स प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही होती हैं. मोनोइड कब होता है, जब सेमी ग्रुप एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही होती है. और सेमी ग्रुप सिंपल जो लास्ट वाला है वो कब होता है, जब क्लोज्ड और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही होती है. ठीक है, सो आई होप आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर. ये माइंड मैप जो है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. आप एग्जाम टाइम्स पे बहुत कंफ्यूज हो गए कि किसमें क्या प्रॉपर्टीज हो रही है, मैं अभी से आपको बता रही हूँ. तो ये जो स्टार्ट है ये प्लीज आप ध्यान में रखो एंड हमेशा आप पेपर से पहले जो है ना, जब आपके हाथ में पेपर आ जाएगा इस तब आप क्या कर लो, इसको अपने सप्लीमेंट के जो लास्ट पेज है उसमें बना लो ताकि आपको याद रहे एंड आप कंफ्यूज नहीं हो बाद में. ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे थी, मुझे किसको एक्सप्लेन करना है, क्या कॉन्सेप्ट में क्या था एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. सो प्लीज इसका आप चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप नोट्स ग्रुप चैनल पे हो तो वहां पे तो सभी मिल जाएगा आपको. सो नो नीड ऑफ एनीथिंग, जस्ट यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज थोड़ा स्टॉप करो एंड थोड़ा सा इसको जो है ना दिमाग में आप अपने बिठा लो. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ द क्वेश्चंस, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे. ठीक है, तो मैंने आपको तो आधा घंटा बोला था ध्यान देने के लिए, आप सिंपल अभी आपका आई थिंक 20 मिनट्स तक में हो गया है सब कुछ. तो चलिए अब डेफिनेशंस हमने सब कर लिए, नाउ अब पूरे के पूरे हम सॉल्यूशंस मतलब क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. मोस्टली पीवाईक्यूज ही रखे हैं मैंने, तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि अब उन डेफिनेशंस का यूज कैसे है आपको. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. तो सबसे पहला देख लो आप अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है. सो In the set of R है हमारे पास of real numbers, describe whether the following composition is associative A, B, C are elements of R. यानी कि आपके जो R है वो क्या है, set of real numbers है and आपको क्या बोला है कि जो following compositions आपको given है वो associative है या नहीं. Guys, associative बोला है, तो मैंने आपको बोला है कि आपको जब भी associative word अगर आता है तो you just have to write this equation. A into B into C, okay, bracket and is equal to bracket of A into B, bracket close into C. तो जस्ट आपको ये वाला जो आपका ऑपरेशन है ना प्रॉपर्टी, सिंपल ये आपको लिख देना है इक्वेशन एंड वो कैसे सॉल्व करना है. सी आपको क्या दिया है, फर्स्ट आपका जो है ना A into B वो आपको इक्वल टू क्या है, A plus 2B है. और यहाँ पर सेकेंड बोला है A into B equal to A, इसका मतलब ये दोनों भी अलग है. ओके, देखो फर्स्ट क्या है, आप फर्स्ट को कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट समझ जाओ सेकेंड सिंपल लगेगा. एसोसिएशन प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने आपको बोला यही आपको इक्वेशन पहले लिख लेना है, A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी. क्लियर है, अब A इंटू बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, A प्लस 2B, राइट. तो पहले मैं LHS को सॉल्व करूंगी एंड फिर RHS अगर इक्वल आता है या फिर RHS को भी सॉल्व करूंगी एंड दोनों के अगर सोल्यूशन सेम आता है तो आई विल से कि यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो रही है. ठीक है, तो देखो A इंटू बी इंटू सी, A इंटू बी क्या है मेरा, A प्लस 2B है, A प्लस 2B है इंटू सी. अब मैं क्या कर रही हूँ फॉर सिंप्लीफिकेशन, ताकि मैं इसको अच्छे से समझ सकूँ, मैं सॉल्व कर सकूँ, मैं इस A प्लस 2B को क्या कर रही हूँ, X समझ रही हूँ. ठीक है, तो अगर मैं X समझ रही हूँ इसको एंड यहाँ पर क्या है मेरा C है. ठीक है, तो मुझे बताओ ये X इंटू सी हो गया, इसका मतलब यही वाली प्रॉपर्टी हो गई ना A इंटू बी वाली. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि A और B ही प्रेजेंट होना चाहिए, है ना. यहाँ पर क्या है X इंटू सी है, इसका मतलब प्रॉपर्टी तो सेम है ना, X इंटू सी और B A इंटू बी. हमारा जो इसका सोल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, A प्लस 2B होगा, इसका मतलब X प्लस 2C हो जाएगा. समझ में आ रही है मेरी बात. देखो A इंटू बी को मैंने क्या किया, A प्लस 2B किया, क्योंकि मेरे पास गिवन थी ये प्रॉपर्टी. अब मैं इस A प्लस 2B को अगर मैं X कंसीडर कर रही हूँ तो ये क्या हो गया, X इंटू सी हो गया, राइट. और X इंटू सी को ही मैं अगर A इंटू बी वाली प्रॉपर्टी लगाऊँ, यानी A इंटू बी A प्लस 2B होता है, तो X इंटू सी क्या हो जाएगा, X प्लस 2C हो जाएगा, करेक्ट. बस अब X के अंदर मैं जो उसकी X की जो वैल्यू है एग्जैक्ट A प्लस 2B वो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो A प्लस 2B प्लस 2C मुझे यहाँ पे मिल गया है, विच इज माई LHS. ठीक है ना, RHS के अंदर क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जो RHS वैल्यू वो हमने ले लेनी है. अब देखो जैसे अब यहाँ पे X इंटू सी किया है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो B इंटू सी के लिए भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होगी, राइट.
तो बी इंटू सी को मैं क्या बोलूंगी, बी प्लस टू सी, है ना, सेम प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रही हूँ बी प्लस टू सी। अब मैं इस बी प्लस टू सी को कंसिडर करूंगी लेट से वाई, ठीक है, कुछ भी मैं कंसिडर कर रही हूँ, तो ए इंटू वाई हो गया, तो ए इंटू वाई में भी तो मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू वाई हो जाएगा, एंड जस्ट अब मैं वाई के अंदर इसको जो है एड कर दूंगी, जो इसकी प्रॉपर्टी, जो इसका एग्जैक्ट था वाई को मैंने जो अज्यूम किया था बी प्लस टू सी, तो बी प्लस टू सी है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड सिंपली जो है मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो मुझे बताओ कि ये ए प्लस टू बी प्लस टू सी है और यहाँ पर ए प्लस टू बी प्लस फोर सी है, तो ये LHS, ये RHS के इक्वल नहीं है, तो ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ये आपको सेकंड वाला बहुत सिंपल लगेगा, सिंपल a इनटू b को आपको ने क्या समझना है, a समझना है, यानी कि जो लेफ्ट है ना उसको समझना है आपको उसका आंसर। तो देखो a इंटू बी इंटू सी, सबसे पहला आपका देखो यहाँ पर अगर हम देखें, यही ऑपरेशन को मैं ले रही हूँ, जस्ट मैं पहले LHS को सॉल्व कर रही हूँ फिर RHS को सॉल्व कर रही हूँ। तो LHS क्या है, a इंटू बी इंटू सी, तो a इंटू बी क्या हो गया मेरा a हो गया, और ये c एज इट इज, तो मेरा a इंटू सी क्या हो जाएगा, अगेन मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा a, ठीक है। अब RHS को देखो, a इंटू बी इंटू सी, तो b इंटू सी में फर्स्ट क्या है, b है, तो मेरी प्रॉपर्टी के हिसाब से b आ जाएगा इधर, और a इंटू बी को अगर मैं करूंगी तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो LHS RHS सेम है, तो ये क्या हो गया मेरा, एसोसिएटिव हो गया, सिंपल है ना। तो देखो इतने ज्यादा सिंपल सिंपल आपके क्वेश्चंस आते हैं यूनिट सिक्स से, इसलिए मैंने इसके अंदर ज्यादा मेहनत नहीं करी बोर्ड पे आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की, क्योंकि मुझे पता है इतने ज्यादा सिंपल है आपको ये ऐसे ही समझाने से समझ में आ जाएंगे, राइट। तो बस आपने इतना ही करना है, एसोसिएटिव को कैसे सॉल्व करना है होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फॉलोइंग टेबल, सेकेंड क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज, ओके ये टेबल आपको गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो स्टार है ना, ये जो ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या, a इंटू बी जो है वो इक्वल होना चाहिए b इंटू a के, राइट। तो सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपने क्या करना है इसमें से ना, आपको a, देखो a b c, a b c ये आपके पास एलिमेंट्स है, और इनको मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर देखो a इंटू a करके b आ रहा है, a इंटू b करके c आ रहा है, समझ में आ रहा है ना ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा टेबल कैसा होता है। तो बस आपको क्या करना है, सबको देख लेना है, एंड अगर कोई एक भी आपकी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व या फिर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप बोल दोगे कि ये जो ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव नहीं हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो a इंटू a, आपको देखो a इंटू a तो a इंटू a ही होगा, मैं उसको जो है स्वैप नहीं कर सकती, तो बेसिक उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं a इंटू b को देखती हूँ और फिर b इंटू a को देखती हूँ, यानी कि b इंटू a, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ a इंटू b का, तो a इंटू b का मुझे c मिल रहा है, और b इंटू a का देखूँ तो भी मुझे c मिल रहा है, तो ये कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है, ओके। b इंटू c का देखो तो मुझे क्या मिल रहा है, a, ठीक है। तो अगर सपोज वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आप खुद भी लिखो, b इंटू c का देखो तो मुझे a मिल रहा है, और c इंटू b का देखो तो मुझे b मिल रहा है, तो मुझे बताओ यहीं पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, फॉलो नहीं हो रही है। ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, कौन सी, a इंटू c a मिल रहा है, और c इंटू a जो है वो a मिल रहा है। तो दो तो प्रॉपर्टीज हमने देख ली, बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी करके देख सकते हो जस्ट रैंडमली, एंड अगर कोई भी आपका एक कम्यूटेटिव नहीं है तो सिंपल आपने बस इतना कह देना है। और देखो इतना सा इसका जो है सोल्यूशन है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड करो, आपका क्वेश्चन जिस हिसाब से है, जितने मतलब मार्क्स का है उस हिसाब से उसको फ्रेम करो, लेकिन यही मेन चीज है जो आपको बतानी है, सिंपल आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। सो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस यूनिट से आ रहे होते हैं, सो आई एम जस्ट मेकिंग यू वेरी फ्री कि हाँ ये यूनिट जो है वो सिंपल है। ग्राफ्स थ्योरी में हमने आपकी ट्रीज वगैरह में थोड़ा दिमाग लगा लिया, लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल हैं, क्लियर ना। थर्ड देख लेते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन आपका, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन सेट ए, ये कुछ सेट है आपका ए बी सी डी, एक आपका यहाँ पर देखो ऐसा टेबल गिवन है, हमें बोला है फाइंड सी इंटू डी और डी इंटू सी, b इंटू डी एंड d इंटू बी, और आपको ये दिखाना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं, और ये भी दिखाना है कि आपका जो ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। तो अगर मैं इस टेबल के हिसाब से चेक करूँ तो देखो सिंपल बच्चों वाला काम हमसे बोला हुआ है कि c इंटू डी क्या मिलेगा, मुझे बताओ c इंटू डी को देखो काम पे यहाँ पर आ रहे इंटरसेक्ट होके, तो मुझे a मिल रहा है, और d इंटू c देखना है, d इंटू c तो a मिल रहा है, तो दोनों a a मिल रहे हैं तो कम्यूटेटिव है। अब b इंटू d और d इंटू b देखना है, तो b इंटू d तो मुझे c मिला, अब d इंटू b मुझे b मिला, तो ये b एंड c तो इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो यहीं पे जो है मेरा ऑपरेशन जो है स्टार वो कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिविटी चेक करें तो सिंपल यही आपने लिख देना इक्वेशन, अब a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c, तो बेसिकली ये जो ब्रैकेट में है ना, हमने इनको देखना है जाके टेबल में,
यानी कि बी इंटू सी, इधर ब्रैकेट में तो जाके देखो बी इंटू सी क्या है, आपका आंसर बी है, तो मेरे मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ए इंटू बी मिल गया। अब ए इंटू बी यहाँ पर देखना है तो मुझे बताओ, यहाँ से देखो ए इंटू बी क्या है, सी है, तो यहाँ पर ए इंटू बी मुझे क्या मिल गया, सी मिल गया। तो बस अब यहाँ पर इन दोनों को आप देखना है, ए इंटू बी का क्या मिलेगा, ए इंटू बी का सी मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे मिल गया सी, एंड सिमिलरली सी इंटू सी का देखूंगी तो ए, तो यहीं पर जो मेरी एसोसिएटिविटी है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो ना कम्यूटेटिव सेटिस्फाई हुआ, ना ही एसोसिएटिव सेटिस्फाई हुआ, दैट्स इट, क्वेश्चन ओवर, समझ में आ रहा है। अब कंसीडर करो, देखो ये थोड़ा सा लेंथी मतलब क्या है, सॉल्व करने में बहुत ज्यादा सिंपल है अगर आपका अलजेब्रा अच्छा है तो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आप खुद अपने पेन से यार करके देखो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए, वेर ए इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डिफाइंड बाय ए इनटू बी, जो है ना आपको क्या बोल दिया है, ए प्लस बी माइनस ए बी बोल दिया है, और आपको बोला गया है कि फाइंड करो जो ये आपका स्टार है ये एसोसिएटिव है या नहीं, क्लियर। तो ये एसोसिएटिव तभी होगा, मुझे बताओ, कि जब ये ऑपरेशन फॉलो होगा, एल एच एस आर एच एस के इक्वल होगा, तो जब यहाँ पर अगर हम देखें एल एच एस और आर एच एस को, तो यही पर देखो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, करेक्ट है, बस ब्रैकेट चेंज किया है। लेकिन मुझे बताओ, मुझे क्वेश्चन में गिवन है ए इंटू बी क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी है, तो जस्ट आपको क्या करना है, इसको एल एच एस में डाल के देखना है और आपको आर एच एस में डाल के देखना है। सेम कैसा वाला क्वेश्चन है पता है, ये जो हमने अभी फर्स्ट किया था ये वाला, ठीक है, जस्ट हमने एल एच एस और आर एच एस में इसको पुट करके देखना है, बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट आपकी सॉल्विंग के ऊपर है, ठीक है। तो बस आपको सॉल्व करते रहना है, करते रहना है, एंड आगे आगे जब आप बढ़ रहे हो तो ए इंटू सी के अंदर भी आपको ए इंटू बी वाली ही प्रॉपर्टी को लगाना है, जस्ट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों साइड में एक एक एलिमेंट है, तो आप ये प्रॉपर्टी को लगा सकते हो और आप देखो तो ये सॉल्व करके आपको आंसर मिल रहा होगा, एंड दोनों भी आपके इक्वल आ रहे होंगे, एल एच एस आर एच एस, तो आपका जो स्टार है वो एसोसिएटिव होगा, ठीक है। अब देखो इतना एक एक नहीं करके बताऊंगी, ये तो कितना ज्यादा सिंपल है, राइट, ये तो आप खुद करके देखो पेन पेपर पे, दो मिनट में हो जाएगा, 10th 12th में हमने इससे भी टफ टफ क्वेश्चंस करे हुए हैं, राइट। तो जस्ट वैल्यूज पुट करते जाना है, उसको हमें असाइन करते जाना है, हमें अज्यूम करते जाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप एक बार और इसको देख लो थोड़े ध्यान से, एंड आप जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, यू विल गेट एवरीथिंग करेक्ट, ओके। नाउ ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें भी आपको एसोसिएटिव ऑपरेशन को ही प्रूव करना है। इसमें एसोसिएटिव ऑपरेशन में आपको स्टार की जगह क्या दे दिया, ये बॉक्स दे दिया है, ठीक है। तो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, इस ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हाँ हम उसको सेम ही समझ रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, करेक्ट। देखो यहाँ पर जो एक्स आपका बॉक्स वाई है, इसको आपको क्या दे दिया है, एक्स इंटू ए इंटू वाई दे दिया है। तो सिंपली यहाँ पर आपने क्या बोला है क्वेश्चन में, ये आपका ए कॉमा स्टार जो है वो एक सेमी ग्रुप है, मुझे बताओ सेमी ग्रुप है तो वो क्लोज्ड भी फॉलो कर रहा होगा, एसोसिएटिव सॉरी आपका कम्यूटेटिव भी फॉलो कर रहा होगा, एसोसिएटिव भी फॉलो कर रहा होगा, और क्या एक एक्स्ट्रा आपका होता है आइडेंटिटी, नहीं, सेमी ग्रुप है तो सिर्फ क्लोज्ड और एसोसिएटिव, ठीक है, वो मोनोइड कर रहा होता है, तो सेमी ग्रुप में आपका क्लोज्ड और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव फॉलो हो रहा होगा। तो सिंपल ये आपने दोनों दिखाने हैं, सो लेट ए बी एन एलिमेंट इन ए, कंसिडर करना है आपको जो बाइनरी ऑपरेशन वो है स्क्वेयर ऑन ए सच दैट फॉर एवरी एक्स वाई आपका ए है, तो बेसिकली ये आपके एलिमेंट्स है ए वाई कुछ उसमें, तो एक्स वाई जो है वो उसको फॉलो करना चाहिए, तो एसोसिएटिव ऑपरेशन है। तो देखो हमने जो कॉमन लिखते हैं ना ऑपरेशन, जस्ट उसका स्टार की जगह मैंने अब क्या यूज किया, स्क्वायर यूज किया, और ए बी नहीं है मेरे पास इस वक्त, एक्स वाई है, तो जस्ट मैंने एक्स वाई जेड से इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब मुझे पता है कि एक्स बॉक्स वाई क्या है, मेरा एक्स इंटू ए इंटू वाई है, तो जस्ट मैंने उसको यहाँ पे पुट कर दिया जेड एज इट इज, एक्स एज इट इज, वाई इंटू वाई स्क्वायर जेड में मैंने जो है अगेन ये प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, एंड वाई इंटू ए इंटू जेड ये हो गया। अब मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ ना, मैं कंसीडर कर रही हूँ ये पूरा जो है ना मेरा ब्रैकेट में ये कुछ पी है, और यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट में ये कुछ क्यू है, तो मेरा ये क्या हो गया पी इंटू, वापस से मैंने क्या किया इस पे पी इंटू ये वाली प्रॉपर्टी लगाई ए इंटू जेड वाली, क्या हो गया था ये पी स्क्वायर जेड हो गया था ना, पी स्क्वायर जेड क्या होगा पी इंटू ए इंटू जेड, तो बस पी इंटू ए इंटू जेड हो गया सेम पैटर्न में इधर। अब मैंने क्या किया जस्ट पी के अंदर उसको वापस से पुट कर दिया एक्स इंटू ए इंटू वाई को, और ये ए इंटू जेड एज इट इज जस्ट, एंड सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर भी क्यू के अंदर वही पुट कर दिया जो वाई इंटू ए इंटू जेड था, एंड अगर मैंने बाद में देखा तो ये क्या हुआ दोनों भी सेम हुए, इसका मतलब क्या है ये एसोसिएटिव है, सिंपल है ना। तो जस्ट ऐसे ज्यादातर एसोसिएटिव ही जो है ना आपको पूछे जाएंगे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो
जितने ज्यादा क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो आपको उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. अदरवाइज मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझा दी, एक दो क्वेश्चन समझा दिए, तो आपको मेरे तरफ से जो काम है वो ओवर है. आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर सकते हो, जस्ट वो प्रॉपर्टीज ही अप्लाई करनी है. स्टिल आई एम गिविंग यू मोर देन इनफ PYQs जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, एंड दे आर वेरी मच सफिशियंट फॉर यू. ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है. व्हाट इज मोनॉइड? अब मुझे बताओ, मोनॉइड आया तो सबसे पहले ध्यान में रखना है क्या? सेमी ग्रुप फॉलो होगा और आइडेंटिटी फॉलो होगी. करेक्ट. शो दैट द अलजेब्रिक सिस्टम ए कॉमा प्लस ओके बी अ मोनॉइड. जो ए है आपका वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, और जो प्लस है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है गिविंग एडिशन ऑफ टू नंबर्स. तो जस्ट आपको ये एक्सप्लेन करना है गाइज, शो करना है. तो मुझे बताओ, जस्ट ये तीन प्रॉपर्टीज को आपको मतलब प्रूफ करना है ना, कितना सिंपल. तो देखो, ए कॉमा प्लस मेरा अलजेब्रिक सिस्टम गिवन है, और इंटीजर्स है तो 0, 1, 2, 3, 4 ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, तो फर्स्ट तो आपका क्लोज ऑपरेशन होगा. तो मुझे बताओ, अब ये तो पूरा इनफाइनाइट है ना, इंटीजर्स तो इनफाइनाइट हो जाते हैं. तो क्लोज ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैं कुछ भी प्लस करूं, लेट से मैं 1 + 2 करूं, तो 3 मेरे सेट में प्रेजेंट ही है. मैं 3 + 2 करूं, 5 मेरे सेट में प्रेजेंट ही है. 3 + 4 करूं, 7 मेरे सेट में प्रेजेंट ही है. तो ये पूरा सेट क्या होगा? क्लोज्ड ऑपरेशन होगा. ठीक है, सो इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ क्लोज्ड ऑपरेशन. क्लियर? सेकंड क्या है आपका? एसोसिएटिव. ठीक है, ओके, क्लोज्ड ना, इसलिए आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड. ओके, जो आपका सेमी ग्रुप है वो क्या होता है? क्लोज्ड. और आपका क्या होता है? क्लोज्ड और एसोसिएटिव होता है. ठीक है, क्लोज्ड और एसोसिएटिव. आई वॉज थिंकिंग ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. नो, इट इज ऑफ क्लोज्ड एंड एसोसिएटिव. क्लियर? सो व्हाट आई वॉज टेलिंग यू, यस, क्लोज्ड हमने चेक किया, नाउ एसोसिएटिव. एसोसिएटिव में क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. सिंपल, हमने ऑपरेशन जो होगा ना, मतलब जैसे यहाँ पर एडिशन बोला है, तो हम एडिशन कंसिडर करेंगे. अब यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट लो, इट इज नॉट मतलब नेसेसरी कि आप 1, 2, और 3 ही लोगे. 1 + 2 + 3 आपका 1 + 2 + 3 आपका 6, 6 ही आने वाला है. मे बी ब्रैकेट्स कहीं पर भी हो, क्योंकि मैंने आपको बोला है प्लस और मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपका जो एसोसिएटिव है वो होता है. सिंपल, माइनस और डिवाइड के अंदर जो है ये एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी भी नहीं होती है. ठीक है, तो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमारी हो गई सेटिस्फाई. आइडेंटिटी के लिए देखें तो हम पहले राइट आइडेंटिटी लगा के देखते हैं. तो ए इंटू ई करके देखें तो ए होना चाहिए. तो अगर हम प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा अलजेब्रिक सिस्टम में क्या है? प्लस है. तो मैं वापस ऊपर जाके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी में जो है ना आपको क्या बताया था, आइडेंटिटी यस, मैंने आपको बताया था यहाँ पे मोनॉइड के केस में आपका ई 0 होगा जब आपके पास प्लस होगा, और ई 1 होगा जब आपके पास मल्टीप्लाई होगा. गाइज, तो अभी हमारे पास क्या है, देखो यही ध्यान में रखो, अभी हमारे पास क्या है, अभी है हमारे पास, एक सेकेंड, हमारे पास है प्लस, राइट? तो हमारा ई क्या होगा? 0 होगा. अब आप एक ही जगह कोई भी एलिमेंट ले लो अपने सेट में से, लेट्स से 2 ले रहे हो, 2 + 0 करोगे 2 ही मिलेगा, है ना? तो ई जो है वो आपका क्या होगा? राइट में होगा, राइट आइडेंटिटी. ठीक है, तो ये जो है कंडीशन आप अच्छे से याद रखो. आपका जब प्लस होगा अलजेब्रिक सिस्टम में, तो आपका जो ई है वो 0 होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा? 1 होगा. क्लियर? तो सिंपल जो है हमारा वो ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें वही एलिमेंट मिल रहा है इस केस में. तो अगेन ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है आइडेंटिटी को. एंड जैसे क्लोज्ड भी सेटिस्फाई हो गया, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो गया, आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हो गया, तो ए कॉमा प्लस आपका क्या हो गया? मोनॉइड बन गया. सिंपल, आपने कितना इजीली प्रूव किया, राइट? अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी आपका PYQ है. 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री से 300 डिग्री, मतलब आपको ये क्या दे दिया, एक सेट दे दिया है. ठीक है, आर. अब इसमें बोला है आपका जो ये स्टार है वो आपका कोई बाइनरी ऑपरेशन है. सो दैट ए एंड बी इन आर कोई एलिमेंट्स हैं, ए और बी आपके, और अगर उनको हम देखें ए इंटू बी करके, इज ओवरऑल एंगुलर नोटेशन करस्पॉन्डिंग टू सक्सेसिव रिलेशन बाय ए एंड देन बी. हमें शो करना है कि ये जो आर कॉमा स्टार है ये ग्रुप है. तो मुझे बताओ, ग्रुप के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं? सेमी ग्रुप होता है, आइडेंटिटी होता है, और क्या होता है? इनवर्स होता है. तो बस सेमी ग्रुप में क्या होता है? क्लोज्ड ऑपरेशन, एसोसिएटिव ऑपरेशन, और मोनॉइड के अंदर आइडेंटिटी भी आ जाता है, उसके बाद हमारा ग्रुप आता है. तो बस ये चार जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी फॉलो हो रही होती है, क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स. ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है? बस एक एक करके हमें सबको चेक करना है. अब चाहें तो पहले हम एसोसिएटिव चेक कर सकते हैं. ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी. आपको बस क्या करना है, इस सेट में से कुछ जो है ना लेने हैं, कुछ भी एलिमेंट्स आप ले लो, चाहो तो सिंपल ले लो, एंड जस्ट उनको आपको प्रूव करना है. तो देखो, 0 × 60 × 120, आप देखोगे 0 × 60 × 120, अगर हम रोटेट करेंगे 0 डिग्री से फॉलोड बाय 60 डिग्री. ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, डिग्रीज में हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा इसके
केस में, तो पहले अगर 0 डिग्री पे आपकी क्लॉक है ऐसे समझो, उसके बाद आपने 60 डिग्री उसको फॉलो किया, उसके बाद 60 डिग्री से आप 120 डिग्री पर चले गए, ठीक है, वैसे करो या फिर ऐसे करो, आपका जो आंसर है वो सेम ही आने वाला है, तो आपका आर जो है इस केस में एसोसिएटिव हो गया। सेकेंड केस में हम क्लोज्ड को देखते हैं, तो क्लोज्ड के अंदर आप चाहो तो इस वक्त आप प्लस करके देख लो, क्यों देखो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उतने आगे बढ़ रहे हो, राइट। 0 60 अगर हम देखें तो पहले 0 डिग्री फिर 60 डिग्री, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं आएगा इस केस में, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कोई ऑपरेशन है। और अब हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर 0 डिग्री 60 डिग्री कुछ दिया है एंड अगर इसके बाद ये है, तो सिंपल पहले 0 डिग्री था, फिर 0 डिग्री से 60 डिग्री गया, फिर 60 डिग्री से 120 डिग्री गया। इसका मतलब अगर हम बेसिक लैंग्वेज में समझे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे 0 डिग्री प्लस 60 डिग्री अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या मेरे सेट में प्रेजेंट है? यस, मेरे सेट में 60 डिग्री प्रेजेंट है, राइट। तो चलो ये हो गया, और कुछ चेक करें तो 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री मेरा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखो 180 डिग्री प्रेजेंट है मेरे सेट में, यस प्रेजेंट है। अगर कोई और देखे, बड़ा वाला नंबर देख ले, लेट से 180 डिग्री 240 डिग्री, तो ये तो 420 डिग्री। आप बोल दोगे कि यार 1420 तो इसमें है ही नहीं, तो ये क्लोज्ड नहीं है, लेकिन गाइस इस डिग्रीज के अंदर बात हो रही है, तो 420 डिग्री कब होगा, जब 300 प्लस 120 होगा, राइट। और 300 प्लस 120 तो मेरे इसमें प्रेजेंट है, 100 प्रेजेंट है, 120 प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, ये क्लोज्ड ऑपरेशन हो गया। समझ में आ रहा है, इसको आप नॉट प्रेजेंट नहीं बोलोगे, क्लियर। तो क्लोज्ड ऑपरेशन भी आपका यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। नाउ आइडेंटिटी चेक करें, तो ये आपका 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर आप कुछ भी करके देख लो, कोई भी ऑपरेशन करके देख लो, वो आपका जो है एलिमेंट ही आएगा, तो सिंपल ये क्या होगा, आपका आइडेंटिटी होगा, क्लियर। अब इनवर्स का आप चेक करोगे, तो इनवर्स का मतलब क्या है, 300 का 60 के साथ करके देखो, पहले 300 फिर 60, तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, करेक्ट। सिंपल पैटर्न है, राइट। तो जस्ट आपने पहले फिर 360 करके देख लिया, अब 60 के बाद 300 करो, मतलब पहले 360 था, अब 60 300 करो, इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी, आंसर तो सेम आ रहा है ना। पहले आप पहले क्या कर रहे हो, आपका लेट से 300 डिग्री रोटेट कर रहे हो, उसके बाद 60 रोटेट कर रहे हो, तो आपका पूरा क्या हो गया, 360। अब तो आप क्या कर रहे हो, आप इनवर्स कर रहे हो, यानी कि पहले आप 60 डिग्री कर रहे हो, उसके बाद 300 डिग्री रोटेट कर रहे हो, तो अगेन बात तो वही हुई ना, 360 डिग्री हुआ। तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, तो एट द एंड ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो आपको क्या मिल गया, ये इट इज अ ग्रुप, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, सो इट इज अ ग्रुप, क्लियर। ओके, सो आई होप मैंने आपको बहुत सारा आइडिया दे दिया है। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द PYQ, तो इसको भी देख लो बहुत ध्यान से। कंसिडर आपका G, star क्या है, आपका अल्जेब्रिक सिस्टम है, G, star है, इसका मतलब ग्रुप्स की बात होगी, whose G is a set of non-zero real numbers, ठीक है। और जो आपका स्टार है ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है, जो कि कैसे डिफाइन किया है, देखो A into B is equal to AB divide by 4, ओके। तो A into B को क्या बोल दिया, इसमें AB by 4 बोल दिया है। और G, star क्या है, आपका बिलियन ग्रुप है, ये हमें शो करना है। तो अगर इसको शो करना है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करना पड़ेगा, देखो पहले तो आपकी आ जाएगी एसोसिएटिव, फिर कम्यूटेटिव, फिर आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोज्ड, ठीक है। तो जब ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई होंगी तभी जाके ये अबेलियन ग्रुप होगा, क्लियर है। तो एक भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। तो पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं एसोसिएटिव, तो सिंपल यही एसोसिएटिव आया तो यही आपको लिख देना है इक्वेशन, A into B into C is equal to A into B into C। अब देखो हमें यहाँ पर दे दिया है कि आपका A into B क्या है, AB by 4 है, तो कहीं पर भी ये मल्टीप्लाई है, और आपका AB हो या BC हो या AC हो, आपको यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यानी कि AB by 4 जस्ट into C कर लिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये देखो यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा, ABC by 16, ठीक है। वैसे RHS में बात करें तो यहाँ पर ब्रैकेट किसको है, BC को है। अब मैं क्या समझूंगी इस प्रॉपर्टी में, B into C समझूंगी, तो क्या होगा, BC by 4 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B into C समझूंगी तो BC by 4, तो सिंपल ये भी क्या मिल गया, ABC by 16, तो यही LHS equal to RHS हो गया। तो ये जो है एसोसिएटिव है, एक प्रॉपर्टी तो फॉलो हो गई। अब कम्यूटेटिव की बात करें तो A into B is equal to B into A आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल LHS में बात करें तो A into B है, राइट। तो A into B क्या है मेरा, AB by 4 है, और B into A होगा तो वो भी क्या होगा, B into A by 4,
करेक्ट है ना, बी इंटू ए बाय फोर, इसी को मैं इलेबोरेट कर रही हूँ एंड मेरी जो हमें जो ऑपरेशन दिया है जस्ट मैं उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, तो अगेन एल एच एस आर एच एस सेम है तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, अब आइडेंटिटी की बात करें तो ए इंटू ई जो है वो ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी एलिमेंट होगा वो उसके इक्वल होना चाहिए। तो मुझे बताओ अगर मैं ए इंटू ई ही देखू, ए इंटू ई मेरी जो ऑपरेशन मुझे दिया है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए ई बाय फोर हो जाएगा। अब ये जो ए ई बाय फोर है ना, ए इंटू ई है, जस्ट इस ए इंटू ई की जगह मैं ए ई बाय फोर को जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ और यहाँ पर ए लिख रही हूँ, तो मेरा ए ए मैंने कैंसिल कर दिया, तो मुझे ई क्या मिल गया, फोर मिल गया। इसका मतलब मुझे ई कोई ना कोई रियल वैल्यू मिली है, राइट? तो मेरा ई भी क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। क्लियर, ए ई बी क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, सिंपल। अब अभी मुझे अगर इनवर्स को चेक करना है तो सिंपल ए इंटू बी को मैं चेक करती हूँ, क्या है मेरा ई है, करेक्ट। तो ए बी, ए इंटू बी क्या होता है मेरा, ए इंटू बी मेरा ए बी बाय फोर होता है, राइट? और यहाँ पर मेरा ई क्या मिला है मुझे, यहाँ पे देखो फोर मिला है, तो मेरा ए बी क्या बन गया, मेरा ए बी यहाँ पे 16 बन गया। अब सिमिलर पैटर्न में मुझे यहाँ पे ए क्या मिला, 16 बाय बी, और बी क्या मिला मेरा, माइनस 16 बाय ए। मतलब यहीं पर मेरी इनवर्स प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो गई, तो मेरा जो स्टार है वो यहाँ पे इनवर्स हो गया। ठीक है, अब सिमिलर पैटर्न में क्लोज ऑपरेशन, तो वही प्रॉपर्टी आपको लगानी है, आपको ये देखना है कि वन, अब यहाँ पर क्या आ गया, ए इंटू बी बाय फोर, तो ए बी बाय फोर होगा। तो ए आपका क्या, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, बिल्कुल जरूरी नहीं है टू और थ्री ही लो, ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं, आप सेट में से कोई भी एलिमेंट ले लो, तो यहाँ पर अगर इसको करके आप डिवाइड बाय फोर करोगे तो मे बी यहाँ पर 1.2 आ रहा है, तो ये तो आपका पूरा सेट क्या है, आपका सेट, आपका सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स है, राइट? तो जस्ट ये भी आपके क्या हो रहा है, सेट के अंदर प्रेजेंट होगा 1.2 कहीं ना कहीं, तो ये भी आपका क्लोज्ड ऑपरेशन हो गया। तो सारी के सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी यहाँ पे फॉलो हो गई, एंड आपको हिंट तो पहले से ही दे देते कि शो करना है, इसका मतलब तो ये पहले से होगा ही, राइट? तो सबको आपने कहीं ना कहीं घुमा फिरा के दिखा देना है कि हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, एंड लास्ट में लिख देना है कि हेंस प्रूव्ड कि ये जी कॉमा स्टार क्या है, आपका अबेलियन ग्रुप है। क्लियर है ना? सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड सेम पैटर्न का, सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे सिर्फ ए बी बाय फोर था पहले, अब ए बी बाय टू है। जस्ट अब आप इसको खुद करके देखो, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोज। ठीक है, तो जस्ट ये भी सेम टू सेम आपका जो है ना क्वेश्चन था। नाउ यहाँ पे देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आता है, जस्ट आपने ना टेबल की जगह क्या दे दिया, आप जस्ट इवन ऑड कर दिया। ठीक है, तो इवन और ये जो है ना, ये एक्सोर का आपको कोई ऑपरेशन दिया है। ठीक है, लेकिन देखो ऑपरेशन से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ एक आप ऐसा समझ लो सिंबल आपको दे रहा है, एंड आपको बोला है कि इसमें आप शो करो कि ये क्या है, आपका अबेलियन ग्रुप है। तो जस्ट आपका जो सेट है वो क्या है, इवन ऑड है, इवन ऑड है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आप चाहो आइडेंटिटी एक्सप्लेन करो, आप जो चाहो जो मर्जी है वो एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो जस्ट आपको इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी को उठाना है एंड इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो मुझे बताओ आइडेंटिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इवन को इवन, एक्सोर इवन, तो ये क्या हो गया, इवन मिला, इवन एक्सोर ऑड, मुझे क्या मिला, ऑड मिला, ऑड को एक्सोर इवन, क्या मिला, ऑड मिला। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे ई क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो रही है, इसका मतलब ई क्या है, मेरा आइडेंटिटी है। ठीक है, वैसे ही सिंपल इनवर्स के लिए बात करो तो इनवर्स के लिए देखो, फॉर ईच एलिमेंट देयर इज एन इनवर्स, यानी कि इवन है तो उसका इवन आपको मिल रहा होगा, मतलब इवन है तो ऑड है, ऑड है तो इवन है, तो दोनों बेसिकली इनवर्स ही है, तो ये इनवर्स भी फॉलो कर रहा है। कम्यूटेटिव यानी कि इवन एक्सोर ऑड, आपको ऑड मिल रहा है, ऑड एक्सोर इवन भी आपको ऑड ही मिलेगा, तो बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी फॉलो हो रही है। एसोसिएटिव में आपको वही को वही इक्वेशन लगा देना है, जस्ट एक्सोर आपको करना है, एंड आपको क्या करना है, अब देखो इसको ऐसे करके देखना है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, तो आप कुछ भी कंसीडर करो, आप पहले ऑड इवन इवन करो, इवन ऑड ऑड करो, सारे इवन करो लो, जो भी आप लो ना वो जस्ट यहाँ पर भी सेम ही लेना। ठीक है, ए बी सी के लिए, एंड जब आप उसका करके देखोगे तो आपका एल एच एस आर एच एस इक्वल आ जाएगा एंड यू विल गेट इट एसोसिएटिव। सिंपल क्लोज्ड के लिए बात करें तो इवन इवन के साथ कोई ऑपरेशन करो, आपको इवन या ऑड में से कुछ मिलने वाला है, तो बेसिकली या इवन मिलेगा या ऑड मिलेगा, तो बेसिकली ऑपरेशन तो क्लोज्ड में ही है ना, यानी सेट में इवन ऑड ही, एंड आपको आंसर भी इवन ऑड ही मिलेंगे, तो वही आंसर हुआ ना कि इवन ऑड आपके सेट में प्रेजेंट है, तो क्लोज्ड ऑपरेशन। तो बेसिकली सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, फॉलो हो गई एंड वी गॉट इट एज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, नाउ अभी बहुत सारे जो है ना हमने क्वेश्चंस देख लिए फॉर अबेलियन ग्रुप, मोनाइड, एवरीथिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर
होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, ठीक है? तो होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स के लिए ये कोई आपका डेफिनेशन है, देख लो, लेट जी कॉमा स्टार आपके पास है एंड एक एच कॉमा कोई ऑपरेशन है आपका, ये कुछ दो ग्रुप्स हैं आपके। आपको मैप कैसे करना है ना कि जो आपके जी के एलिमेंट्स हैं वो एच के एलिमेंट्स के साथ मैप हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, कोई ग्रुप होमोमोर्फिज्म देखा जाता है, ठीक है? सो बेसिकली यही होता है। एंड इसका अगर देखें तो आपका जैसे कि ए और बी आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स में, तो जी एक ए इंटू बी इज इक्वल टू जी एंड आपके अगर आप इस एच के साथ मैप कर रहे हो तो एच के जो है ना ऑपरेशन यहाँ पे आ जाएगा, तो जी ए आएगा यहाँ पर जी ऑफ ए एंड यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लाई आना चाहिए था, लेकिन मैप तो एच से कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका कोई ऑपरेशन है वो आ गया एंड यहाँ पे जी भी आ गया, ठीक है? सो दिस ओनली दिस थिंग्स आर देयर। तो अगर यहाँ पे होमोमोर्फिज्म आपको शो करना है, लेट से क्वेश्चन आपका क्या है, लेट एस वन आपका स्टार वन है, एस टू स्टार टू है, एस थ्री स्टार थ्री है, ये सेमी ग्रुप्स हैं आपके, और f एक फंक्शन है फ्रॉम s1 टू s2, दैट इज आपका जो फंक्शन है वो s1 टू s2 जा रहा है और g जो फंक्शन है वो s2 टू s3 जा रहा है, ये होमोमोर्फिज्म है। तो हमें सिंपल प्रूफ करना है कि g और f जो है वो होमोमोर्फिज्म है क्या फ्रॉम s1 टू s3। तो यहाँ पर ए बी जो है वो हमारे एस वन से है, राइट, एस वन से है, तो बेसिकली हमारा जो जी ओ एफ है, जी ओ एफ हमें फाइंड आउट कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए एक्स यानी जो पहला ऑपरेशन है वो वन होगा, जो दूसरा ऑपरेशन है वो टू होगा, यानी मल्टीप्लाई हम पहली बार कर रहे हैं तो वो स्टार वन होगा, मल्टीप्लाई हम सेकेंड बार कर रहे हैं वो स्टार टू होगा, मल्टीप्लाई हम थर्ड टाइम कर रहे हैं तो स्टार थ्री होगा, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर जी ओ एफ ऑफ ए स्टार वन बी कर रहे हैं, तो मुझे बताओ जी पहले रह जाएगा, और मुझे बताओ जो हम फंक्शंस के अंदर करते थे सेम प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा एंड यहाँ पे स्टार वन, अब जो दूसरा ऑपरेशन हम कर रहे हैं, राइट, तो ये स्टार टू बन जाएगा एंड ये एफ ऑफ बी हो जाएगा, करेक्ट है? अब मुझे बताओ यही जी ओ एफ ऑफ ए होगा एंड अब यही ऑपरेशन हम बाद में कर रहे हैं, एक्स थ्री हो जाएगा, सॉरी स्टार थ्री हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी ओ एफ ऑफ बी। सिंपल इलेबोरेट करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, तो जस्ट हमने बता दिया कि जी ओ एफ जो है वो क्या है, होमोमोर्फिज्म है, क्यों, क्योंकि ए और बी के फंक्शन में आ गया है ये, क्योंकि ये S1 के फंक्शन में था और हमने बता दिया कि S1 to S3 जो है हम आ चुके हैं, यहाँ से S1 to S3 आ चुके हैं, तो ये होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है? वैसे फंक्शन आपका है G to G, G क्या है आपका, एक ग्रुप है with identity E such that F of A belongs to E for all A of A belongs to G, हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है? तो हम कंसीडर कर रहे हैं जी कॉमा स्टार आपका ग्रुप है एंड आपको बोला गया है कि एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ ए की जगह हमेशा मुझे पता है हम तो ए इंटू बी यूज करते हैं, तो ए इंटू बी आपका क्या है, ई है, क्योंकि बिलोंग्स टू ई बोला हुआ है, तो एफ ऑफ ए को अगर मैं देखूंगी तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी दोनों का मुझे क्या मिलेगा, दोनों ई के इक्वल है, राइट, तो ई इंटू ई तो ई ही मिल रहा होगा, तो बेसिकली आंसर तो एक ही आया, तो इट इज प्रूव्ड कि एफ जो है वो आपका होमोमोर्फिज्म है। बेसिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है होमोमोर्फिज्म का कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज टू कन्फ्यूजिंग, लेकिन ठीक है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। नाउ होमोमॉर्फिज्म हो गया, अंडरस्टैंडिंग नाउ अबाउट आइसोमॉर्फिज्म। तो बेसिकली जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है ना, ग्रुप, ठीक है, जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को फॉलो करता है वही आपका आइसोमॉर्फिज्म होता है एंड जो मैपिंग हो रही होती है वो वन टू वन ऑन टू मैपिंग हो रही होती है। क्वेश्चन देख लो, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, कोई जी है आपका जो जिसमें ग्रुप क्या है, रियल नंबर्स का है, अंडर एडिशन ऑफ जी बी अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मतलब अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या कर रहे हैं हम, उसको देख रहे हैं, हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन का है। डिफाइंड आपको लेट जी बोला है, जी क्या है, जी स्टार को मैप कर रहा है, जी डैश को मैप कर रहा है, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, ई रेस टू एक्स है, और एफ क्या है आपका, आइसोमॉर्फिज्म कर रहा है, ठीक है, शो करना है जस्ट हमें। तो देखो यहाँ पे आपका जी कॉमा प्लस है, राइट, हमें यहाँ पर क्या बोला है, अंडर एडिशन बोला है, जी क्या है आपका, अंडर एडिशन है, ठीक है, तो जी अगर अंडर एडिशन है तो जी प्लस क्या हो गया आपका, ग्रुप हो गया, और यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या बोला है, ई रेस टू एक्स, हमेशा हमें पता है कि हम एक्स प्लस वाई कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर भी हमने यहाँ पर एफ ऑफ ए ही दिया था, लेकिन हमने कंसीडर क्या किया था, एफ ए इंटू बी, अब यहाँ पर इंटू हमने कंसीडर कर लिया था स्टार को एज अ बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिया है कि जो जी है आपका वो अंडर एडिशन है, ठीक है, तो जी अगर अंडर एडिशन है, और यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लो, यहाँ पर जी डैश आएगा, तो जी जो ग्रुप रियल नंबर्स का है वो एडिशन के लिए है, और जो ग्रुप पॉजिटिव नंबर्स के लिए वो मल्टीप्लीकेशन के लिए, सो बेसिकली जी प्लस के ग्रुप की हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स को बोला है ई रेस टू एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, करेक्ट, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे बताओ नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर इंडाइसेस के रूल लगाऊं तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई होगा, तो मुझे बताओ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई अगर ये वाली प्रॉपर्टी में उल्टा लगा दूं तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई,
क्लियर। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मुझे क्या मिला, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ वाई मिला। तो अगर मैं मैप करूँ, यानी कि जी मैप करूँ मैं जी डैश के साथ, तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म हो रहा है क्या मुझे बताओ। एफ ऑफ एक्स क्या है, ई रेस टू एक्स है, राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है। और मेरा जो जी डैश है उसमें भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। दैट्स इट। यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया कि 1:1 ऑन टू मैपिंग हो रही है, दैट्स इट। और ये क्या है, आपके आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं फॉर आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, सिंपल। नाउ रिंग। ठीक है, तो रिंग के अंदर जो है ना दो ऑपरेशन हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि प्लस और स्टार है। अब हमने अभी तक कैसा देखा, एक ही ऑपरेशन हो रहा था, ए कॉमा प्लस, ए कॉमा स्टार, ऐसा ही था। अब जो है रिंग के अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, तभी इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिंग बोला जाता है। तो देखो इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, सेमी ग्रुप पढ़ा, बिलियन पढ़ा, ग्रुप पढ़ा, मोनोइड पढ़ा, तो बेसिकली उनमें से कुछ ऑपरेशन है जो कंडीशन इसमें फॉलो होने चाहिए तभी वो रिंग कहलाया जाता है। तो बेसिकली इसके पास दो ऑपरेशन है, राइट। तो जो फर्स्ट ऑपरेशन है उसके साथ अगर हम यहाँ पर अलजेब्रिक सिस्टम बनाएंगे ना, तो वो अबेलियन ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो करना चाहिए। आर कॉमा स्टार यानी जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है ना, मतलब जो दूसरा वाला ऑपरेशन है उसको अगर हम करेंगे इसके साथ सिस्टम में, तो मुझे सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो होनी चाहिए। एंड एट लास्ट जैसे कि दो ऑपरेशन है ना, तो मेरा जो स्टार वाला ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए मेरे प्लस वाले ऑपरेशन पे, यानी जो सेकंड वाला ऑपरेशन है वो प्लस वाले फर्स्ट वाला जो ऑपरेशन है ना उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, जो पहला वाला है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा प्लस पे, ठीक है। तो ए इंटू बी प्लस सी, और ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। सिमिलरली बी प्लस सी इंटू ए, यानी कि बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी, सी इंटू ए। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है फिर हमारा रिंग कहलाया जाता है, अबेलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, तो क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर कैसा आता है। ये भी क्वेश्चन आपका आई थिंक पीवाईक्यू ही है। देख लो, शो दैट आई एक्सोर और एक्सनोर वाला जो है ऑपरेशन दिया है, लेकिन भाई इसके अंदर कोई एक्सोर एक्सनोर वाला काम हमें नहीं करना है, जस्ट उसको एक सिंपल ऑपरेशन कंसीडर करना है। तो जो आपका ए एक्सोर एक्सनोर है ये कम्यूटेटिव रिंग होगा विथ आइडेंटिटी, वेर आपका एक्सोर एक्सनोर क्या है ये डिफाइंड है एज आपका ए एक्सोर बी के लिए वैल्यू दी है और ए एक्सोर बी के लिए भी वैल्यू दी है। तो बेसिकली अगर ए एक्सोर बी है तो वो क्या होगा, इक्वल टू ए प्लस बी माइनस वन होगा। और ए एक्सोर बी इक्वेट किसको कर रहा है, ए प्लस बी माइनस ए बी, यानी जहां पर भी ये दिखे तो ये लिखना है, जहां पर भी ये दिखे तो ये लिखना है, ठीक है। अब सिंपल फर्स्ट हमें क्या देखना है, पहले तो हमारा ऑपरेशन क्या एक्सोर वाला है, तो आई एक्सोर जो है वो हमारा अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो हमें क्या बोला है, कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या, सिंपल देखो, सिंपल अल्बेलियन के अंदर हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही यहाँ पर जो है ना लिखना है। अगर देखो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा 6, 7, 8 मार्क्स के लिए आ रहा है ना, तो आप अबेलियन की सारी प्रॉपर्टीज को लिखो, सेमी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को लिखो। लेकिन अगर छोटा मोटा 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर यही दिमाग लगाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिव लिखा है ना, तो मैं इसको कम्यूटेटिव ही यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। एंड देखो ए एक्सोर बी इक्वल टू बी एक्सोर ए होगा, राइट। तो सिंपल ए एक्सोर बी की जगह ए प्लस बी माइनस वन लिखूंगी, बी एक्सोर ए की जगह बी प्लस ए माइनस वन लिखूंगी, तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। सिंपल प्रूव हो गया, राइट। तो बस इतना प्रूव हो गया, तो मैं बोल दूंगी क्या, मेरा आई जो आई कॉमा एक्सोर है वो क्या है, मेरा अबेलियन ग्रुप है। सिंपल सेकंड चीज के अंदर अगर ये सेमी ग्रुप होगा, तो सिंपल मुझे देखो मैंने कम्यूटेटिव तो यहाँ पे बता दिया, जस्ट यहाँ पर मैं एसोसिएटिव ही बताऊंगी। एंड आप चाहो तो सेमी ग्रुप में ज्यादा प्रॉपर्टीज है नहीं, एसोसिएटिव है और क्लोज है, तो वैसे क्लोज का यहाँ पर हम कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि हमें कोई सेट गिवन ही नहीं है। तो सिंपल हम एसोसिएटिव को ही यहाँ पर जो है प्रूव करेंगे। तो एसोसिएटिव को प्रूव करने के लिए देखो मेरे पास यही ऑपरेशन आ गया, उसी में मैंने क्या कर लिया, एक्सनोर को कंसीडर किया है, क्योंकि अबेलियन ग्रुप को मैं फर्स्ट वाला ऑपरेशन लूंगी और जो सेमी ग्रुप है उसको सेकंड वाला ऑपरेशन लूंगी। तो बस एलएचएस आरएचएस को मैं प्रूव करूंगी, वही करना है, ठीक है। अब मैं ये प्लस माइनस आपको एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगी, क्योंकि सिंपल है, राइट, ये हमें आता है इक्वल, मतलब कैसे सॉल्व करना है इन बेसिक चीजों को, ये हम सिंपल अलजेब्रा में पढ़े हुए हैं। तो सिंपल एलएचएस आरएचएस आपके इक्वल आ जाते हैं, तो आपका ये क्या है, सेमी ग्रुप है। थर्ड प्रॉपर्टी, अब ये सेमी ग्रुप हो गया, राइट, तो अबेलियन भी प्रूव कर दिया, सेमी ग्रुप भी प्रूव कर दिया, तो बचता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जस्ट हमें अब डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रुप प्रूव करना है, तो एक्सनोर है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा एक्सोर के ऊपर। तो बस यही हमको ये इसको प्रूव करना है, एंड आरएचएस में बी एक्सोर सी, मतलब एक्सोर को एक्सनोर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो शो कर रहा है। तो एलएचएस और आरएचएस जब आपके सेम आएंगे, तो आप बोल दोगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी फॉलो हो रही है, तो ये क्या है, आपका रिंग है, ठीक है। तो जस्ट आपको ये एग्जाम्पल्स देख लेने गाइस कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड जस्ट लॉजिक समझना है। ये आप एक को एक एक
एक करके करते बैठोगे कि प्लस माइनस कैसे हुआ, ये वैल्यू इधर कैसे गई, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं जस्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे आपका फोकस ज्यादा डाल रही हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैं आपको ज्यादा बता रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, Z8 आपके पास एक ग्रुप सेट है जिसमें 0 से लेके 7 तक एलिमेंट्स हैं, और R भी द रिलेशन अंडर ऑपरेशन, आपका +7 एक ऑपरेशन है और +7 एक ऑपरेशन है। डज द सिस्टम फॉर्म्स अ रिंग, ठीक है, 7 इज अ कम्यूटेटिव रिंग। अब हमें क्या बोल दिया कि ये जो 7 है ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, ओके। तो बेसिकली ये सेट है और ये दोनों आपके ऑपरेशन है। तो +7 के लिए आप कैसे बना सकते हो, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, ये आपका जो ग्रुप जो सेट है वो 7 तक है, क्लियर। तो देखो जो 0+0 करोगे तो 0 ही आएगा, 0+1 करोगे तो 1 ही आएगा, 0+2 करोगे तो 2 आएगा, एंड 0 से आप कितना भी प्लस करोगे वही नंबर आएगा, सिंपल। अब 1 में आप +0 करोगे तो 0 आएगा, 1 में 1 प्लस करोगे तो 2 आएगा, एट लास्ट अगर 1 में 6 प्लस करोगे तो 7 आएगा। लेकिन गाइज 1+7 आप जो करोगे 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 8 जो है मेरे सेट में नहीं प्रेजेंट है, तो आप वापस 0 से स्टार्ट कर दोगे, समझ में आ रहा है, 0 से स्टार्ट कर दोगे। सिमिलर पैटर्न में 2+0 2 होगा, 2+1 3 होगा, 2+4 2 4 होगा, एंड जब आप आगे बढ़ोगे 2+5 7 होगा, लेकिन 2+6 8 होता है तो वो मैं कंसीडर नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा यहाँ पे 0 आ गया। एंड सिंपली 2+7 9 होता है तो मैं 1 कंसीडर करूंगी, क्यों, क्योंकि मैं वापस उल्टा चल रही हूँ अब, ठीक है, जो पीछे से मैं ना उल्टा चलना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि वो एलिमेंट्स अब मेरे जो है ना सेट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपने ये प्लस सेवन का टेबल बना लेना है। एंड अब +7 के लिए टेबल कैसे बनाओगे, देखो थोड़ा ध्यान देना, 0+0 किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, अब 1+ किसी से भी करो वही नंबर आएगा, 2+ देखो 2+ आपने 1 से किया 2 आ गया, 2 2 4 आ गया, 2 3 6 आ गया, लेकिन 2 4 क्या आता है, 8 आता है, राइट। तो मुझे क्या करना है, हमेशा जो मेरा एलिमेंट है ना जो कि मुझे नहीं चाहिए, 7 के बाद मुझे 8 नहीं चाहिए, राइट, तो मैं सारे एलिमेंट जो कि नहीं आने वाले होंगे मैं उसका 8 से मॉड्यूलस ले लूंगी, ठीक है। तो 8 मॉड्यूलस 8 क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, 0 मैक्स टू मैक्स जितने मैंने यहाँ पे यूज किए मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखो 2 × 5 क्या होगा मेरा, 10 होगा, तो 10 मॉड्यूलस 8 क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना मॉड्यूलस, हमेशा कोडिंग इतनी तो की है ना मॉड्यूलस का मतलब पता है, तो बस 10 मॉड्यूलस 8 क्या होता है, 2 होता है, तो बस मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2। अब 2 × 6 क्या होता है, 12 होता है, तो 12 मॉड्यूलस 8 क्या होगा, 4, तो मैंने 4 लिख दिया। तो ऐसे करके मैंने क्या कर लिया, मेरा पूरा का पूरा जो टेबल है वो डिजाइन कर लिया, ठीक है। तो बस सिंपल, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर Z8 और X7 मेरा क्या है, यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग, राइट। तो मैंने अब ये जो है ना यहाँ पर सिंपल एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं सेमी ग्रुप एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, तो एसोसिएटिव और क्लोज्ड को मुझे एक्सप्लेन करना होगा, तो इट इज ऑलरेडी क्लोज्ड क्योंकि हमें पता है 0 और 7 के बीच में, तो और हमने ये टेबल्स जो डिजाइन किए 0 से 7 के बीच में ही डिजाइन किए, तो ये तो पहले से ही क्लोज हो गया। अब एसोसिएटिव की बात करें तो जस्ट यही ऑपरेशन हमें ले लेना है, और X7 ये *7*7 ये कुछ भी नहीं है, जस्ट उसको हमें सिंपल मल्टीप्लाई कंसीडर करना है, ओके, दैट्स इट, सिंपल। नाउ ये कर लिया तो ये एसोसिएटिव हो गया, तो इसको हमने क्या बता दिया, क्लोज्ड और एसोसिएटिव फॉलो हो रहा है, तो सेमी ग्रुप हो गया। एंड अबेलियन ग्रुप के लिए सिंपल हमें सिर्फ कम्यूटेटिव को ही एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये सेमी ग्रुप तो है ही, राइट, तो सिंपल कम्यूटेटिव हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जब ये कम्यूटेटिव भी दोनों सेम आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको हम अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, तो दोनों प्रॉपर्टीज को साथ में लेके हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, एंड दैट्स इट, ये क्या हो गया हमारा, ये रिंग बन गया, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इनको कैसे सॉल्व करना है। सो दैट्स इट, हमने जो है ना एक्स्ट्रा यहाँ पर जो करना था, एक्स्ट्रा टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए रिंग के। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन के अंदर क्या होता है, देखो इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन, यानी कि जो यूनिटी होती है इट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी विदाउट जीरो डिवाइजर, मीन्स आपका ए और बी जो है उनमें से कोई भी जो है वो यहाँ पर ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सिंपल, अगर एग्जांपल मैं लूँ जेड प्लस और एक्स स्टार है, ये आपका इंटीग्रल डोमेन कब होगा, जब आपका जेड प्लस स्टार ये कम्यूटेटिव रिंग होगा विद यूनिटी
विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी कि a इंटू बी इक्वल टू जीरो, और a जीरो हो सकता है, b भी जीरो हो सकता है, क्योंकि आंसर जीरो आ रहा है तो दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है। तो बेसिकली ये आपका क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन। जस्ट आप इसका डेफिनेशन थोड़ा बहुत दो तीन बार पढ़ के याद रख लो, वैसे इसका कुछ यहाँ पर है नहीं। अब फील्ड के बारे में बात करें तो इंटीग्रल डोमेन फील्ड के लिए देखो, फील्ड में एफ हम डिनोट करते हैं प्लस, और यहाँ पे कुछ आप मल्टीप्लाई समझ लो, डॉट समझ लो। इफ इट सेड टू बी, इट इज सेड टू बी अ फील्ड इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कैसे, देखो आपका q प्लस डॉट जो है वो फील्ड भी होना चाहिए, q फील्ड होगा वो, इट इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ q हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलते हैं। सिंपल ये दो डेफिनेशन है जो बेसिक यूज किए, मतलब पूछे जा सकते हैं, तो बस इतना ही आपको इनमें याद रखना है और कुछ है नहीं। बाकी जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्रुप कोड्स। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आप जो पार्ट है आपका आगे का बहुत सिंपल है। तो देखो ग्रुप कोड में आपके पास देखो दो कोड होते हैं, जीरोज एंड वंस। ठीक है, जीरोज एंड वंस, तो सिंपल एनकोडिंग आपका फंक्शन है, एंड लेट्स से वो फंक्शन देखो हमेशा एनकोडिंग फंक्शन को ई एंड कोलन फिर आप ऐसे जो है ना डिनोट कर रहे होते हो, तो बी रेस टू एम गोज टू बी रेस टू एन। तो यहाँ पर ये बी एम कॉमा एन बन रहा है, तो ये जो एम है ये आपका लेफ्ट है और एन जो है वो आपका राइट है। तो बेसिकली यहाँ पर बी, ये अगर 2.6 का होगा तो बी रेस टू टू गिव्स गोज टू बी कॉमा बी रेस टू 6, ऐसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एनकोडिंग फंक्शन को मतलब एक्सप्रेस करने का या डिफाइन करने का एक टाइप है। ठीक है, नाउ डिटेक्शन ऑफ एरर और करेक्शन ऑफ एरर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेक्शन ऑफ एरर के अंदर क्या होता है ना, ये देखो ये क्या है, आपका एक एनकोडिंग फंक्शन है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ई क्या होता है, के प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो के है वो आपका एरर है। ठीक है, के क्या है, आपका एरर है। करेक्शन ऑफ एरर की बात करें तो हमेशा याद रखो डिटेक्शन ऑफ एरर में आपका कौन सा फॉर्मूला लगता है, ई इज इक्वल टू के प्लस वन, उसमें जो के है आपका वो क्या है, आपका एरर है, और ई क्या है, आपका ये एनकोडिंग फंक्शन है। सिमिलरली करेक्शन ऑफ एरर में जस्ट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाता है के से, एंड आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाता है e इज इक्वल टू 2k+1। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, और ये के एरर है, आपका क्या है, के एरर है। अब देखो हैमिंग डिस्टेंस कितनी सिंपल है, हैमिंग डिस्टेंस इस पे क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वर्ड्स अगर हमें फाइंड आउट करना है, देखो ये बेसिकली हम जब मतलब ऐसा समझ सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में ये चीजें ज्यादा यूज होती हैं, तो बेसिकली वहां से रिलेटेड ये टॉपिक है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो देखो हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वर्ड्स। ठीक है, दो कोड वर्ड्स है आपके भी पास, तो उसमें डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है, बहुत सिंपल है, आपके पास दो कोड वर्ड्स है, लेट्स से x है 1011 और y है 1001, जस्ट कितने नंबर्स ऑफ 1 है हमारे x में 3, कितने नंबर्स ऑफ 1 है हमारे y में 2। ठीक है, तो हमने सिंपल उनके वर्ड्स यहाँ पर जो उनके नंबर ऑफ वन से वो ले लिए, तो जो हैमिंग डिस्टेंस होगी ना मिनिमम डिस्टेंस वो 3.2 में से जो भी मिनिमम है वही होगी, तो 2 सिंपल इनके बीच का डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस क्या हो गया, 2 होगा। तो बेसिक हैमिंग डिस्टेंस को आप डिफाइन कैसे करोगे, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कोड इज द मिनिमम ऑफ हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ कोड वर्ड्स इन द कोड। क्लियर, लेट्स से अब देखो आपके पास 3 कोड वर्ड्स गिवन है, तो देखो हमेशा आप कैसे करोगे इसको, हमेशा ऐसे नहीं हो सकता, अब 3 डिस्टेंस है आपके पास, 3 कोड वर्ड्स है, तो तीनों कोड वर्ड्स में से आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका x, y और z है, तो बेसिकली आप x xor y लोगे, xor लोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे xor लेंगे तो x xor y है, तो 1001 xor 0100। ठीक है, अब हमें पता है कि जब डिफरेंट होता है यानी कि 1 xor 0 होता है तो 1 आता है, और अगर सेम होता है यानी 0 xor 0 हो गया या 0 xor 1 xor 1 हो गया तो उस वक्त 0 आता है। क्लियर, तो देखो 1 xor 0 है तो क्या आ गया, 1 आ गया, एक एक आगे बढ़ो और उसको कंपेयर करो, 0 xor 1 क्या आ गया, 1 आ गया, 0 xor 0 क्या आ गया, 0 आ गया, 1 xor 0 क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब इसमें हमें देखना है क्या, 3, कितने इसके नंबर ऑफ वंस, 3। सिमिलरली आपको x xor z करना है, y xor z करना है, और आपको इनमें से जो मिनिमम होगा जो कि यहाँ पर 1 है वो आपकी हैमिंग डिस्टेंस है ना। अब आगे देखो, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस फॉलोइंग 2.5 आपका एनकोडिंग फंक्शन है। अब देखो आपको ये जो एनकोडिंग फंक्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट, तो बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका b.5 क्या एनकोडिंग फंक्शन है, तो आप इसको कैसे दिखाओगे, 2.5 है ना, तो आप इसको ऐसे शो करोगे e colon b raise to 2 goes to b raise to 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपको e00 की वैल्यू दी है, e01 की वैल्यू दी है, e10 और e11 की कुछ वैल्यू गिवन है जो मैंने यहाँ पर सिंपल कॉपी कर ली है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है ना,
आपको सिंपल, अब देखो ये कहाँ तक है आपकी वैल्यूज, सिंपल आपको इसको एक दूसरे के साथ क्या करना है, पहले आपने ये 0000 वाला लिया एंड इसको आपने इसके साथ कंपेयर किया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो पहले सबके साथ मैंने 0000 वाले का क्या ले लिया, एग्जॉर ले लिया, उसके बाद मैं 01110 का एग्जॉर ले लूंगी ये जो बचे हुए दो है उनके साथ, ठीक है। तो इसके लिए ये दो एग्जॉर आ गए, और जो ये 01110011 है इसका सिर्फ एक ही बचा, तो इसके साथ एग्जॉर ले लिया, तो बस एग्जॉर ही लेना है। एंड एग्जॉर का सिंपल फंडा क्या है, अगर दोनों आपके डिफरेंट होंगे यानी कि 01 या 10 तो आपका क्या मिलता है मुझे बताओ, 01 और 10 तो क्या मिलता है, 1 मिलता है, और जब सेम होंगे 00 और 11 तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है, करेक्ट है ना। तो बस आपने ये कर लेना है, एंड आपका जो जो भी यहाँ पे मिनिमम होगा वो आपका हैमिंग डिस्टेंस होगा, यानी मिनिमम डिस्टेंस तो 2 हो गया, सिंपल। अब देखो ये जो है आपका डिटेक्शन और करेक्शन वाला क्वेश्चन है, आपको कंसीडर करना है 2,4 आपका एनकोडिंग फंक्शन है, हाउ मेनी एरर कैन ई डिटेक्ट एंड हाउ मेनी एरर कैन ई करेक्ट, यानी आपके कितने एरर्स ई डिटेक्ट कर सकता है एंड कितने एरर्स ई करेक्ट कर सकता है। तो सिंपल यहाँ पर 2,4 गिवन है, तो देखो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर आपको ये गिवन है, ठीक है, E00 ये है, E10 ये है, A01 ये है, E11 ये है, तो ये गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही सेम फंडा यूज करना है, आपने सबका एग्जॉर ले लेना है एक दूसरे के साथ एंड आपने निकाल लेना है डिस्टेंस 2, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया 2, और यही हैमिंग जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो आपका E होता है, याद रखो क्या होता है E। अब डिटेक्शन ऑफ एरर में सिंपल डिटेक्शन वाला फॉर्मूला लगा दो, E = K+1, ई तो 2 मिल गया, K+1 तो K क्या निकला हमारा, एरर निकला, तो K हमने क्या निकाल लिया, 1। अब करेक्शन ऑफ एरर का फॉर्मूला क्या है, E = 2K+1, तो बस हमने क्या करना है, इधर E को पुट करना कर देना एंड इसके लिए K की वैल्यू निकालनी है, तो K की वैल्यू 0.5 मिली, लेकिन एरर थोड़ी ना हाफ होता है या फुल होता है, मतलब आधा होता है, ऐसा थोड़ी ना, हम इसको 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एरर 1 निकला, इसमें एरर 0 निकला, ऐसे डिटेक्शन और करेक्शन का सिंपल फॉर्मूला यूज करना है ना, कितना ज्यादा सिंपल पार्ट ये, ओके। सो यहाँ पर एरर जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 मतलब सिंपल ऐसे हमने क्या निकाल लेने, एरर्स निकाल लेने। वैसे देखो आपको ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, आपको 2,5 जो है इनकोडिंग फंक्शन गिवन है, ठीक है, B2 ये मतलब यही होता है इसका मतलब, और आपको ये जो है एरर्स गिवन है, एरर के कोड्स गिवन है। अब आपको डिकोड करना है फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटिव टू लाइकलीहुड फंक्शन, यानी कि अब आपको ये वाले जो कोड, ये वाले जो कोड गिवन है ना, इनको डिकोड करना है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, देखो सिंपल सिंपल याद रखो, देखो यहाँ पर जो गिवन है आपको, ये देखो ये क्या है, 00001101010101 और 11011, ठीक है। तो इनको क्या कर लिया हमने, इनको कॉलम का नाम दे दिया, समझ में आ रहा है। और सिंपल अब हम क्या करेंगे ना, इसको एक एक वन को लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे, एक एक वन को लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे, बाकी सब जीरो बचेगा, देखो ना यही तो हो रहा है, एक एक वन क्या हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है बस। अब हमें क्या करना है, इसका इसके साथ एग्जॉर करना है, यहाँ पे लिखना है इसका इसके साथ एग्जॉर लिखना है, जैसे हम टेबल में एग्जॉर करते हैं वो। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो फंक्शन मतलब ये जो कोड वर्ड्स गिवन है इनको यहाँ पे ढूंढना है। देखो यहाँ पे ये जो 11110 है, ये क्या कहाँ पे प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है ना इसका क्या बन गया, इसका ये मुझे यहाँ पे ढूंढ लिया, मतलब मैंने इसको क्या कर लिया, डिकोड कर लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। अब ये जो है ना ये कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ये इसके कॉलम में प्रेजेंट है, 0110, यानी कि ये देखो 01110 किसके कॉलम में प्रेजेंट है, E01 के, तो देखो ये E01 के अंडर में आ गया। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये सेकंड क्या है, 10011, तो देखो 10011 किसके कॉलम में प्रेजेंट है, 11011 के, तो 11011 कहाँ आ गया, E11 में आ गया, तो E11 में ये लिख दिया। सिमिलरली ये किसके कॉलम में आता है, इसके, तो उसको यहाँ पे लिख लिया इस इधर देख के, ठीक है। तो बस इतना करना है, जस्ट कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पे क्या लेना है। अब अगर आपने एग्जाम के वक्त कंफ्यूजन में सिंपल आपने क्या कर लिया, इसको कॉलम कंसिडर कर लिया एंड जब आप ये करोगे तो आपको नहीं मिलेंगे वो वर्ड्स, है ना। तो बस यही है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ओके। यही सब चीजें मैं बोर्ड पे भी करा सकती थी, लेकिन अनयूजुअली टाइम ज्यादा लग जाता एंड आई डोंट वांट कि अब आपका एग्जाम टाइम पे टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो जस्ट दैट थिंग, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ कोड जनरेटेड बाय द गिवन चेक मैट्रिक्स, जिसमें एच आपका मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसके कोड वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो बेसिकली इसका कोड वर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पर इसको हमारा ना कितने इसके कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, है ना। तो जहाँ पर 1 है ना, हमने क्या करना है, उसको बस कंसीडर कर लेना है, ठीक है, एंड हमने उसका इक्वेशन बनाना है, ठीक है, सेट ऑफ ऑपरेशन। तो देखो फर्स्ट में 1 है x1, तो x1 इधर आ गया, प्लस x2 प्लस x3 का आएगा, नहीं आएगा, x4 आएगा, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x4 हमारा यहाँ पे आ गया फर्स्ट इक्वेशन, जो कि है 0। सिमिलरली यहाँ पे देखो x2, x3 और x4 आएगा, तो x2, x5 आएगा, ओके, x2, x3 और x5, x4 आएगा, राइट,
X4 0 है, X5 आएगा, ठीक है, तो X2 X3 X5। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो X1 X3 और X6। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये बना लिया हमारे इक्वेशन, हमारे मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, जो लास्ट वाला है उसको राइट में डाल दो सिंपल। अब ये इक्वेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वजह से बन रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वजह से बन रहा है। क्यों बन रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो यहाँ पर आपने इसको समझ लेना है, जीरोज वंस प्रेजेंट है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंपल हमने इसको माइनस नहीं किया, मुझे पता है ये राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझा और इसको क्या कर लिया, प्लस। तो ये क्या हो गया, X4 X5 X6 सिंपल हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 हमारे पास आए हैं यहाँ पर, तो 2 raised to 3 हमारे पास 8 बिट्स आ गए। तो जब यहाँ पर हम देखो हमने पैरिटीज करी है, राइट, अगर आपने DLD पढ़ा होगा मुझसे, तो हमने लेफ्ट हमने जो है पैरिटी समझी थी, है ना, पैरिटी। तो जस्ट वही पैरिटी हमने यहाँ पे लगा देनी है। देखो पहले तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास 8 बिट्स हैं, तो हम 4 4 पहले कर लेंगे, 0s 1s, फिर 0, मतलब जैसे हम अपना DLD में कर रहे होते हैं, अभी भूल जाओ कि हम मैथ्स कर रहे हैं। तो देखो तो X1 X2 X3 आ गए, X4 X5 X6 हमें निकालने हैं। तो सिंपल X4 कैसे आएगा आपका, X1 और X2 का XOR, X2 X3 का XOR आएगा आपका X5, और X6 आएगा X1 X3 का XOR। तो आप ऐसे किसी का भी XOR लो इन तीनों में से, एंड यहाँ पर आप लिख दो, एंड इनका जो रिक्वायर्ड कोड वर्ड्स है ना वो ये आएंगे, कैसे, यहाँ पर से देखो 0000000 सिक्स टाइम, तो ये फर्स्ट कोड वर्ड आ गया, 0010011 0010011, ठीक है। तो बस लाइन वाइज हमें लिखते रहना है, और ये हमारे बन गए रिक्वायर्ड कोड वर्ड्स। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको कोड वर्ड्स जनरेट करने हैं, मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, तो सिंपल ये वाला जो है ना वे आपको करना है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड दीज आर द ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपको पूछे जा सकते हैं, एंड आई हैव कवर्ड मोस्टली ऑल ऑफ द PYQs, ठीक है। एंड और भी आपको जो PYQs है वो मास्टर सॉल्यूशंस में ऑलरेडी अपलोडेड है, सो यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन, एंड आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लिया जाएगा, जहाँ पर मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स के मास्टर सॉल्यूशंस। एंड व्हाट डज दिस मास्टर सॉल्यूशंस मींस, तो 2023-2024 मतलब जो लेटेस्ट आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं SPPU के, उनके आपके सॉल्यूशंस वहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपको अपने प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। तो बस वो आप देख लोगे तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद द कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन आंसर टाइप में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, एंड जस्ट लास्ट यूनिट हमारा यूनिट 3 बचता है DM का, तो हमारा जो यूनिट है वो पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो गया है, ठीक है। सो दैट्स इट, अलजेब्रिक सिस्टम और कोडिंग थ्योरी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इस कंप्लीट वन शॉट के अंदर। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा आपने अलजेब्रिक सिस्टम में जो डेफिनेशंस है वो याद कर लेने, और कोडिंग थ्योरी के अंदर सिर्फ एनकोडिंग फंक्शन को हमें जो है समझना है, दैट्स इट। एंड हमारा जो यूनिट है वो पूरा यहाँ पे कवर होता है, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप उस क्वेश्चन को डालो जिस कॉन्सेप्ट में, एंड आप टाइम स्टैम्प डाल दोगे तो बेटर हो जाएगा, एंड आई विल जस्ट रिजॉल्व योर डाउट ओवर देयर, ठीक है। तो कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज डोंट बी हेजिटेट टू आस्क मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। तो चलिए दैट्स ऑल, एंड नेक्स्ट आपको क्या चाहिए मुझे आप बता सकते हो। इंस्टेड आई नो सबसे ज्यादा आप यही बोल रहे हो कि आप ये भेज दो, आई एम अपलोडिंग वीडियोज रेगुलरली, स्टिल यू आर जस्ट कॉमेंटिंग कि नेक्स्ट दे दो, मतलब जो दिया है प्लीज स्टडी दैट फर्स्ट, ओके। जस्ट अप्रिशिएट मी ऑल्सो कि येस आई एम ऑल्सो डूइंग मतलब एवरी डे वर्क, स्टिल आई एम नॉट good at all, okay, so for that purpose I just need appreciation, I just need your support, nothing else, okay, so you can just mention ki yes aapko kaisa laga lecture ya or whatever may be your opinions, instead of giving yes I know ki yes I have to cover all the subjects, I have to cover all the units, I know that thing, you don't have to remind me, okay, so aap kar sakte ho, yes I know ki aapko jaldi hai, exams hai, and I understand, but still I also need some appreciation, I also need some support from you all guys, right? तो जस्ट आप अच्छे अच्छे कॉमेंट करोगे, दैट विल मेक मी मोर एनकरेजिंग एंड मोर मोटिवेशनल, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप अच्छे कॉमेंट्स करोगे, एंड उतनी जल्दी मैं आपके लिए वीडियोज बनाऊंगी, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली और जस्ट कॉमेंटिंग कि यस ये नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सो दैट विल नॉट बी दैट मच मोटिवेशनल फॉर मी, ओके। सो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में जल्दी ज्वाइन हो सकते हो, आई विल बी क्लोजिंग दैट थिंग, क्योंकि अब जस्ट मुझे मेंबर्स को रखना है, विच विल बी वेरी
मतलब जिनको मैं पास ऑन कर सकूँ फॉर सेमेस्टर 4 ऑल्सो, तो बस आई विल बी जस्ट क्लोजिंग दैट फॉर्म नाउ. तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप फॉर्म फिल कर सकते हो एंड यू विल बी एडेड इन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल एंड यू विल गेटिंग एवरीथिंग, ओके, लिटरली एवरीथिंग एंड वेरी मच सपोर्ट इन एग्जाम टाइम्स. ठीक है, एग्जाम टाइम्स में तो एवरी वन नो कि हाँ जो भी मेम्बर्स थे उनको इनसेम के वक्त कितना हेल्प किया था, सो डेफिनेटली एंड सेम ऑल्सो दे विल बी गेटिंग द सेम थिंग. तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.